और उसमें तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के बारे में हम लोगों ने बातचीत की थी। और हम लोगों ने अच्छा साथ में मैं इंट्रोड्यूस कर दूं, मेरे साथ इस समय जो सहयोग करेंगे भाई कशानु मुक्सी, नमस्कार। हाँ तो हम लोग दोनों इस समय आप लोग की खिदमत में होंगे। तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के बारे में अगर किसी ने मिस किया है तो मैं थोड़ा सा रिपीट कर दूँ, कहानियाँ और भी हो सकती है लेकिन अच्छा है कि हम यहाँ से शुरू करें। तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अटैक में जो बच गया था, वन ऑफ द पर्सन हु वाज रेस्क्यूड, तो जब उसका जब इंटरव्यू हुआ तो उससे बताया कि जिस समय अटैक हुआ था, द टाइम व्हेन इट वाज अटैक, मतलब दे वर लिटरली टेरिफाइड, बहुत ज्यादा डर का माहौल था। एंड ही सेड दैट वी ऑल वेर कन्फाइंड टू अ रूम एंड वी वेंट देयर टू एंड वी एस्केप्ड फ्रॉम देयर एंड वी वेर अबाउट टू सेव आवर लाइव्स, जीवन बचाने की हमको चिंता थी। कमरे में अंधेरा था, हम शायद 10-12 लोग वहां पर बैठे होंगे। ये मैं उसके बीबीसी के इंटरव्यू के एक्सेप्ट से मैं कोट कर रहा हूँ, एग्जैक्टली कोट कर रहा हूँ वर्बेटिम। तो उसने ये कहा कि हम वहां पर इंतजार कर रहे थे और ऐसा लग रहा था पता नहीं कब कोई मलबा हम पर आ गिरे या कुछ और हो या आग लग जाए। वी वेर नॉट श्योर अबाउट द फ्यूचर कि क्या होगा। उतने में एक आदमी आया एंड ही वॉज द फायर फाइटर और उसके पास एक बहुत ही पावरफुल हेलोजन लाइट थी। और जब हेलोजन लाइट थी तो उसने हेलोजन लाइट को लोगों के ऊपर चमकाया, यूं करके उसने लाइट दिखाई या फिर उसने कहा फॉलो मी, उसने बस इतना कहा फॉलो मी और वो चल दिया। और जो व्यक्ति बच गया था उसने आगे चल के इंटरव्यू में इस बात को बताया, वी सिंपली स्टार्टेड फॉलोइंग हिम, हमने उसको फॉलो करना शुरू किया। और थोड़ी देर के बाद हमने देखा कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बिल्डिंग से हम बाहर आ गए एंड वी फेल्ट दैट वी ऑल आर सेफ, हम बिल्कुल सुरक्षित हैं, हम एक मैदान में आ गए थे। तो उसने फिर आगे ये कहा जो आपके काम की बात होगी, मेरे भी काम की बात होगी, उसने ये कहा कि हमने फॉलो इसलिए किया उस अंधकार में, उस मौत के डर में, उस आतंक के साए में, उस कंडीशन के अंदर जहां पर कि बिल्कुल नाउम्मीदी थी, वहां पर हमने इसलिए उसको फॉलो किया क्योंकि उसके पास लाइट थी, ही हैड लाइट, उसके पास प्रकाश था। अगर प्रकाश नहीं होता तो उसको हम फॉलो नहीं करते। मुद्दे की बात यही है दोस्तों, मुद्दे की बात यही है कि अगर प्रकाश है तो दुनिया फॉलो करेगी, इफ यू हैव लाइट। तो आज के दिन आपको ये कहना चाहता हूँ एक बार फिर से, जो मेरी आदत है हम ऐसा करते हैं, आप लोग शिक्षक लोग हैं और आप जैसे ही शिक्षक शायद मुझको भी मिले सौभाग्य से, तो आज मैं कहूँगा कि आप लोग के साथ मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो हाथ जोड़ करके अभिनंदन। और ये कहना चाहता हूँ कि इफ यू हैव लाइट द वर्ल्ड इज गोइंग टू फॉलो यू, अगर आपके पास प्रकाश है तो दुनिया आपको फॉलो करेगी। इस हीन भावना से, आप लोग शिक्षक हैं यहाँ तक बोलना चाहिए या नहीं, लेकिन इस भावना से बाहर आ जाइए कि कोई पूछता ही नहीं, अरे कुछ होता ही नहीं। नो, अगर लाइट है तो हजारों हेक्टेयर जमीन के क्षेत्रफल में भी अगर छोटा सा भी बल्ब है तो वो चमकेगा। तो वर्ल्ड इज वेटिंग फॉर यू, चिल्ड्रन आर वेटिंग फॉर यू, है ना, संसार आपका इंतजार कर रहा है, बच्चे इंतजार कर रहे हैं, जो मैंने तभी कहा था ड्रॉप आउट्स हैं घरों के अंदर, ब्रोकन फैमिलीज हैं, डोमेस्टिक वायलेंस है, क्या पता जो बच्चे आपके पास आते हैं उन बच्चों की पृष्ठभूमि क्या है, यू डू नॉट नो। पॉसिबली अगर चेहरों को ध्यान से देखिए, आंखों को पढ़िए तो पता चलेगा कि वही वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के उसी कमरे में बैठा हुआ है ना, वी डू नॉट नो। तो आपके पास मौका है बोलने का फॉलो मी, है ना, और उसी फॉलो मी की कड़ी में आज हम ऑडेसिटी की ओर चलेंगे, क्योंकि जब हम मीडिया के इस सॉफ्टवेयर को समझ लेंगे तो वी विल बी इन अ बेटर पोजिशन टू से फॉलो मी। और सिर्फ आप अपनी कक्षा के अंदर ही नहीं लेकिन आप वर्ल्ड वाइड आप रीच कर सकते हैं। पॉडकास्ट के बारे में आप लोगों ने कहा था, उसके बारे में थोड़ा सा याद दिला दीजिएगा, बात कर लेंगे हम लोग थोड़ी देर के लिए, लेकिन अभी हम चलते हैं ऑडेसिटी की ओर। तो अगर आप लोग तैयार हैं तो आप लोग अपने अपने हाथ को उठा सकते हैं, आप लोग इस समय मैसेज कर सकते हैं, सो दैट आई कैन सी ऑल ऑफ यू आर लिसनिंग, थैंक यू वेरी मच। अगर मैं एक बार सबको एक बार देख लूँ, मित्रों को ना देखने का मन कर रहा है, तो थोड़ा अगर सबको एक बार मुझको जनरल व्यू में दिखा दें तो हम सबको देख लें एक बार। अच्छा, वेरी गुड, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए अब चलते हैं आगे आज के सॉफ्टवेयर की ओर। तो सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड ऑडेसिटी, तो इस समय सॉफ्टवेयर को खोलते हैं और सॉफ्टवेयर के थ्रू अब हम आगे चलते हैं। बस हमको दो तीन सेकंड का हमको ये है, बस इतना समय हमको दीजिए एंड वी आर गोइंग टू नेक्स्ट स्लाइड। इसको खोल लेते हैं, here it is. हाँ ये खुल रही है अभी, तो स्लाइड इज बीइंग ओपन फॉर यू, स्लाइड इस समय खुल गई।
इसका ही किया हुआ है, नहीं सॉरी सॉरी दूसरी स्लाइड है, दैट इज द ट्यूटोरियल। ट्यूटोरियल कहाँ पर है? हाँ ट्यूटोरियल ये तो जब तक खुलता है तब तक बात तो कर ही सकते हैं कि कहानी आपको अच्छी लगी है ना, बातचीत तारतम्यता होनी चाहिए। बौखलाहट में मैं ढूंढने लगूं आप देखने लगे तो वो उतना अच्छा नहीं लगता है देखने में। तो यस सर, वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। हाँ थैंक यू सो मच। तो अब हम आते हैं ऑडेसिटी ट्यूटोरियल, इस समय आप देखते हैं इट लुक्स लाइक दिस, ये कैसा दिखता है। अब हम सीधा स्लाइड में जाएंगे जी। तो अगर आप इसका ब्रांड मार्क को देखेंगे तो ये ऐसा दिखाई पड़ता है, आपको ये दिखाई पड़ रहा है ऑडेसिटी। स्लाइड नंबर टू, स्लाइड नंबर टू में इस समय चलेंगे और इस समय हम ऑडेसिटी के बारे में कुछ और डिटेल इस समय देखेंगे, ये क्या है। जी हाँ स्लाइड नंबर टू, नहीं ये नहीं, आगे चलेंगे आगे चलेंगे। अच्छा ओके हाँ यहाँ पर आते हैं पहले। अगर आप देखेंगे तो प्रोफेशनल ऑडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर बहुत सारे, जैसे न्यूएंडो है, सीआईटी के अंदर हम न्यूएंडो को यूज करते हैं, इट इज वेरी यूजर फ्रेंडली, म्यूजिक फ्रेंडली भी है, संगीत में भी एडिटिंग वगैरह में बड़ा अच्छा होता है ये, मतलब इट्स अ गुड सॉफ्टवेयर। कूल एडिट भी हुआ करता था कभी, आप देख रहे हैं इस समय टॉप राइट में देखिए कूल एडिट, ये भी एक सॉफ्टवेयर है। लॉजिक प्रो भी है और क्यूबेस भी है, ये सारे अच्छे अच्छे ऑडियो रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर है, एडिटिंग सॉफ्टवेयर भी हम इनको बोल सकते हैं, लेकिन ये प्रोफेशनल है, इनको लेने के लिए आपको लाइसेंस की जरूरत पड़ती है ना। तो आज हम जिसके बारे में बातचीत करेंगे उसमें ये है कि लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं, और ये मुक्त है और मुफ्त भी है ना, ये आपका ओपन सोर्स ये एक सॉफ्टवेयर है, इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऑडेसिटी क्या है, यहाँ पर हम देख रहे हैं इस समय, इट इज अ फ्री ओपन सॉफ्टवेयर डिजिटल ऑडियो एडिटर एंड रिकॉर्डिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है ना, और अवेलेबल फॉर विंडोज मैक है ना, उसमें भी मिलेगा, आपका लिनक्स में भी मिलेगा और दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में भी, जितने आजकल प्रेविलेंट जो ऑपरेटिंग सिस्टम है हर एक के साथ ये काम करता है। इंटरेस्टिंगली इसमें आपको एक साउंड मिक्सर की आवश्यकता नहीं पड़ती है क्योंकि इनबिल्ट ऑलरेडी है उसके अंदर, आप उसके द्वारा आप इसको मिक्स कर सकते हैं। साउंड मिक्सर और द अदर सोफिस्टिकेटेड डिवाइसेस आपको इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऑलमोस्ट जितनी आपकी आवश्यकता है। बहुत बड़ा कार्यक्रम हम नहीं बनाने जा रहे हैं, अगर छोटी सी टॉक है, छोटा सा ड्रामा है, कोई छोटा सा जिंगल है, किसी बच्चे ने कोई बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है, कोई अच्छी कविता है, तो इसको प्रस्तुत करने के लिए ये बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है, हम इसको देख सकते हैं। आगे चलते हैं जी। और यहाँ पर किस प्रकार से क्या ये हमको सुविधा देता है, इस समय हम इसकी बात करेंगे। तो नंबर वन, यू कैन रिकॉर्ड बाय डिफॉल्ट माइक्रोफोन और बाय द एक्सटर्नल माइक्रोफोन, दोनों बातें इसके अंदर है। डिफॉल्ट माइक्रोफोन यानी हाँ, लेकिन लैपटॉप की जरूरत तो पड़ेगी आपको है ना इसके लिए। डिफॉल्ट माइक्रोफोन का मतलब हुआ ऑलरेडी आपके लैपटॉप पर ये माइक्रोफोन उपलब्ध है, जैसे मैं अभी डिफॉल्ट माइक्रोफोन से ही बात कर रहा हूँ आपके साथ, या आप क्वालिटी के लिए एक्सटर्नल माइक्रोफोन भी यूज कर सकते हैं, वो भी आप इसमें लगा करके यूज कर सकते हैं, मतलब दोनों प्रकार की सुविधा है। एक सुविधा ये है कि आप इसमें एडिट कर सकते हैं, एडिट करने का मतलब है मान लिया कहीं पर खांस दिया, खखार दिया है ना, या कुछ और आवाज है, या तो कुछ कुछ ऐसी साउंड जिसकी आवश्यकता नहीं है, या गड़बड़ा, या बोलने में गड़बड़ा गए, तो हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यू कैन एडिट, यू कैन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑडियो फाइल्स। इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट क्या है उसको हम बाद में देखेंगे, लेकिन ये आपको सुविधा देता है। दूसरी सुविधा ये है कि यू कैन मिक्स ट्रैक्स बाय यूजिंग एनवेलोप। एनवेलोप इसमें एक सुविधा है, बहुत अच्छी सुविधा है, इसको यूज करके हम मल्टीपल ट्रैक्स को भी मिक्स कर सकते हैं, मल्टीपल ट्रैक भी इससे बड़े आराम से मिक्स होंगे, यानी अगर तीन चार ट्रैक अगर आपने बनाया है, ट्रैक का मतलब ये हुआ ट्रैक नंबर वन में आपकी वॉइस है, ट्रैक नंबर टू कह लीजिए मान लिया कोई जंगल का सीन, तो जंगल का सीन अगर है तो ऑफकोर्स अगर हम जंगल के सीन की बात कर रहे हैं तो पक्षियों की आवाज़ होगी, जानवरों की आवाज़ होगी, या आप कल्पना कर लें कोई नदी पास में बहती होगी, तो ऐसा यानी जो भी फॉरेस्ट के साउंड हो सकते हैं। तो ट्रैक नंबर वन में आपका जो नरेशन है वो होगा, आपका जो आपने जो कहा है वो होगा, आपका रिकॉर्डेड जो आपने नरेशन दिया है वो होगा। ट्रैक नंबर टू में साउंड इफेक्ट हो सकते हैं, जंगल की आवाज, सब कुछ हो सकता है। ट्रैक थ्री में जाइए, वहां पर आप एक म्यूजिक भी लगा सकते हैं, और फिर सबको मिला करके आप मिक्स कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट एक ट्रैक पर है ना, एक ट्रैक पर ये एक
ये आपका मिक्स डाउन, ये आपको कार्यक्रम मिल जाता है। इसमें आप साउंड इफेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं, इफेक्ट्स कर सकते हैं, और एम्पलीट्यूड को घटा सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। एम्पलीट्यूड का मतलब हुआ, मान लिया आपने किसी को रिकॉर्ड किया बोलने में आवाज थोड़ी कम आ गई, तो आप इसकी आवाज को बढ़ा सकते हैं। या आवाज अगर मान लिया बहुत जोर से बोला है माइक्रोफोन के बिल्कुल पास आकर के, तो आप आवाज को घटा भी सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बात प्रोफेशनली आपको एडवाइस ये देंगे, एंड द एडवाइस इज दैट कि कोशिश करें कि मूड रिकॉर्डिंग ही ठीक हो, है ना। बाद में ट्रीटमेंट करना या बाद में उसको घटाना बढ़ाना ये उतना अच्छा नहीं होता है, मतलब रिकॉर्डिंग ठीक हो, मूल रूप से आपकी रिकॉर्डिंग ठीक होनी चाहिए। यू कैन यूज द मल्टीपल ट्रैक्स, आगे चलेंगे इस समय। तो इसको कैसे आप पा सकते हैं, हाउ टू गेट इट, ये ट्यूटोरियल आप लोग को मिल जाएगा, तो आप इसके द्वारा आप आराम से इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। तो गो टू गूगल और टाइप कीजिए Audacity Downloads, आप टाइप कीजिए और ये आपको ऑप्शंस की ओर ले जाएगा। तो जो ऑप्शन ज़्यादा आजकल चल रहा है वो आपका 2.2.1 ये आजकल ज़्यादा चल रहा है, कुछ वर्शन और भी आ गए हैं, ये काफ़ी पुराना हो गया है, तो ये वर्शन आप यूज़ कर सकते हैं और आप इसको मिक्स डाउन कर सकते हैं। और मैंने बोला अगर काफ़ी कुछ नहीं भी समझ में आया तो इसके ट्यूटोरियल्स यूट्यूब में उपलब्ध हैं, यूट्यूब के अंदर आपको इसके ट्यूटोरियल मिल जाएंगे। लेकिन आई बिलीव कि ये जो स्लाइड प्रेजेंटेशन है अपने आप में इतना यानी कॉम्प्रिहेंसिव होगा, इसको यदि आप फॉलो करेंगे तो यू विल बी एबल टू डू इट, आप आराम से कर लेंगे, कोई काम यानी कठिन नहीं है। एक्चुअली कठिनाई दिमाग में होती है, काम में नहीं होती है, हम जैसा सोचते हैं। तो ऐसी धारणा बना लें कि मुझको इसको धारण करना ही, मुझको करना ही है, तो ये हो जाएगा। तो आगे चलते हैं अगली स्लाइड में, उसके बाद अब हम आगे चलते हैं हाउ टू बिगिन। तो अब बोलने से काम नहीं चलेगा, अब हमको चलना पड़ेगा इसके इसके सॉफ्टवेयर में। तो आइए इस समय सॉफ्टवेयर में चलते हैं कि हम किस प्रकार से इसको लेकर के आगे जा सकते हैं। जी अब इसके सॉफ्टवेयर में ही चलिए, राइट। हाँ हाँ सॉफ्टवेयर में आते हैं। मान के चलिए बहुत आसान है, और जब कुछ बोलते भी है ना तो मान के चलिए हमसे अच्छा कोई नहीं बोल रहा है, तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस रहेगा। अगर झिझक होगी तो गड़बड़ होती है ना। तो नंबर वन, सबसे पहले इस समय हम आपका वर्किंग डायरेक्टरी में आ गए, ये यहाँ से हम काम कर सकते हैं और ये आपको सामने दिखाई पड़ रहा है ना। तो सबसे पहले हमको एक काम करना है कि किस प्रकार से हमको आगे चलना है। अब हम इसको देखते हैं, हाउ टू गेट इट, यहाँ तक हम चले थे, अब हाउ टू बिगिन, हाउ टू बिगिन में इस समय चलेंगे। तो सबसे पहले स्टेप वन, स्टेप वन में जबकि हम जाते हैं तो गो टू फाइल, आप माउस को फॉलो कीजिएगा, गो टू फाइल, और जब फाइल में चलते हैं आप इसको क्लिक करेंगे। जब क्लिक करते हैं तो नीचे आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, न्यू, है ना, न्यू दिखाई पड़ रहा है। तो आप क्योंकि एक नया प्रोजेक्ट आप स्टार्ट कर रहे हैं, न्यू का मतलब ये हुआ दैट यू आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट। आप किसी पुराने यानी प्रोजेक्ट पर जो सेव किया हुआ है उस पर आप काम नहीं कर रहे, तो वी आर गोइंग टू वर्क इन अ न्यू प्रोजेक्ट। तो न्यू को जब हम क्लिक करते हैं तो हम इसको क्लिक करते हैं, जब न्यू करते हैं सामने ये आपका वर्किंग विंडो आ गया, और ये विंडो बिल्कुल अब बिल्कुल तैयार है, वी आर रेडी टू वर्क नाउ। अब स्टेप टू में जब हम जाएंगे तो अब हमको एक काम कर रहा है यहाँ पर, स्टेप टू में जबकि हम जाएंगे तो अब हमको यहाँ पर हमको जाना है ट्रैक्स में। एड न्यू कर सकते हैं यहाँ पर, या तो यहाँ पर हम मिक्स कर सकते हैं, सिर्फ इसको देख लीजिए। लेकिन इस समय थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसी को भी आगे देखते हैं, अभी रिकॉर्ड कैसे करना है देखिए। अब हम इसको बंद कर देंगे, एड न्यू को हम बाद में देखेंगे, मोनो या तो जो कुछ है बाद में देखेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं हाउ टू रिकॉर्ड, अब एक कार्यक्रम को हमको रिकॉर्ड करना है, ओके। एक कार्यक्रम अभी हम रिकॉर्ड करेंगे, तो इसको रिकॉर्ड करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, है ना। और ऑप्शन आपको बता दिया था कि या तो बाय डिफॉल्ट माइक्रोफोन आप कर सकते हैं, या आप बाहर के माइक्रोफोन को भी आप ले सकते हैं। तो दोनों दोनों फैसिलिटी यहाँ पर है। अब हमको इसको रिकॉर्ड करना है, अब हम यहाँ पर देखेंगे, अब गो टू ट्रैक्स, एड न्यू। हाँ, अब यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहा है, आपको मोनो में करना है या आपको स्टीरियो में करना है। आजकल ज्यादा एक्सेप्टेबल हम सजेस्ट करेंगे कि स्टीरियो में ही जाइए, है ना, क्योंकि ब्रॉडकास्टिंग एजेंसीज भी आजकल स्टीरियो में ज्यादा करती ज्यादातर, और सुनने का भी जो आनंद है उसी में ज्यादा है। मोनो इज ओके, लेकिन स्टीरियो में भी जा सकते हैं, फिलहाल हम ट्राई करते हैं मोनो में। तो मोनो में आ जाते हैं इस समय, तो ये आपको ऑप्शन दे रहा है इस समय। और मोनो में ये होता है सर कि इसमें आपको
सिंगल चैनल मिलेगा, जबकि स्टीरियो में आपको मिक्स्ड मिलेगा, दोनों प्रकार से आपको लेफ्ट राइट दोनों का ऑप्शन आपको मिलता है। अगर आप कान में लगा करके सुनेंगे, अगर आप यानी आपका ईयरफोन लगा दें, अगर आप मोनो सुनेंगे तो सुनाई तो पड़ेगा, बहुत अच्छा सुनाई पड़ता है, लेकिन अगर स्टीरियो में अगर आप सुन रहे हैं तो उसका जो सेंटर है साउंड की जो मिक्सिंग है वो आपको बिल्कुल एट द बेस ऑफ द ब्रेन आपको मिलेगा, सुनने में आपको उसका आनंद कुछ अलग है। जब पैनिंग को आप सुन सकते हैं, कोई साउंड आपका दाहिने से आ रहा है, कोई बाएं से आ रहा है, जहां पर हम पैन करते हैं, तो पैनिंग का जो आनंद है सुनने का, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, इस समय मान लिया कि जंगल का सीन, और जंगल के सीन में मान लिया कि शेर आ रहा है लेफ्ट साइड से, और कोई है जो कि नदी के किनारे बैठा हुआ है, अच्छा या कि नदी बह रही है। अब ये दोनों सीन को मुझको पैन करना है, तो मैं लेफ्ट राइट का मैं इसमें जो इम्पैक्ट है मैं इसके अंदर मतलब दे सकता हूँ, तो सुनने में आपको लगेगा उधर से आ रहा है, लेफ्ट से आ रहा है या राइट से आ रहा है, यू कैन पैन। और संगीत में भी मतलब सारे इंस्ट्रूमेंट को सुनने का जो आनंद है ना वो आपको स्टूडियो में ज्यादा मिलता है। तो ये बेसिकली आपका डबल ट्रैक होता है, ये सिंगल होता है, पर अभी हमने मोनो जानबूझ के लिया है ताकि कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए, वो दो दो दिखेगा फिर तो थोड़ी सी मुसीबत होगी इसमें, तो यहाँ पर पहले हम सीखते हैं। तो अब यहाँ पर हम इसको रिकॉर्ड करना शुरू करेंगे, जब इसको रिकॉर्ड करना शुरू करेंगे तो अब हम कैसे चलेंगे, अभी हम इसको यहाँ पर देखते हैं, अब हम चलते हैं, अब हम रिकॉर्डिंग में जाएंगे, हाउ टू रिकॉर्ड इट। ओके, तो अब हम लाल बटन आपको दिखाई पड़ रहा होगा, लाल बटन आपको दिखाई पड़ रहा है, तो ये आपका रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है, इसको इस समय हम इसको रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन रिकॉर्ड करने से पहले इम्पोर्टेंट है कुछ सोच लीजिए कि हमको बोलना है एक्चुअली क्या है या हमको क्या करना है। यू ही रिकॉर्ड दबा दिया तो क्या बोलेंगे, तो इसे वी नीड टू बी वेरी प्रिपेयर्ड कि हमको एक्चुअली करना क्या है। तो आइए इस समय रिकॉर्ड करते हैं इसको। ओके, तो रिकॉर्ड करते हैं, स्टार्ट करते हैं, इसको जब क्लिक करेंगे ये स्टार्ट कर देगा रिकॉर्ड। अब ये शुरू हो गया, मेरी आवाज आप यहाँ पर सुन सकते हैं। तो साथियों, आज के कार्यक्रम में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है, मैं हूँ अजीत होरो, और इस समय हम बातचीत कर रहे हैं ऑडेसिटी ऑडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में। ये एक बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है और बहुत ही यूजर फ्रेंडली है। सबसे बड़ी बात है कि इसके बारे में यदि मैं कहूं तो ये ओपन सोर्स, यानी इसको कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, इसके लिए आपको लाइसेंस की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इसी में अब हम आगे चलेंगे थोड़ी देर के बाद, और इसके बारे में हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। सॉरी आवाज फंस गई। आगे बोलते हैं, तो आगे जब हम ऑडेसिटी के द्वारा जब हम मिक्स करते हैं प्रोग्राम को, तो आपको संगीत भी मिल जाएगा, आपको आवाज भी मिलेगी, आप आवाज में इको भी कर सकते हैं और सारी चीजें आ सकती हैं। तो थैंक यू वेरी मच, रिकॉर्डिंग को स्टॉप करते हैं। अब रिकॉर्डिंग को हम रोक रहे हैं, रोकने के दोनों तरीके हैं, आप स्टॉप में भी जाके कर सकते हैं, या तो आप स्पेस बार से भी आप इसको रोक सकते हैं। तो अब इस रिकॉर्डिंग को हम सुन लेते हैं एक बार सुनने की कोशिश करते हैं। आइए शुरू में आइए, अभी हमने इसको रिकॉर्ड कर लिया, अब नाउ वी आर गोइंग टू लिसन टू व्हाट वी हैव रिकॉर्डेड। जी अभी शुरू हो गया, मेरी आवाज आप यहाँ पर सुन सकते हैं। तो साथियों, आज के कार्यक्रम में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है, मैं हूँ अजीत होरो, और इस समय हम बातचीत कर रहे हैं ऑडेसिटी ऑडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में। एक काम करते हैं, मतलब ये तो एडिटिंग बहुत आगे चल के आ गई, दोबारा हम रिकॉर्ड करते हैं ताकि थोड़ा एडिटिंग तो कर सके लास्ट में, और एक बार कर लेते हैं। देख लीजिए, दोबारा देखने में कोई बात नहीं, इस फाइल को बंद कर दीजिए, हम दोबारा करते हैं, एकदम शुरू में दिखेगा, हाँ लास्ट में इसको हटा देते हैं हम, और राइट। तो अब अगले ट्रैक में हम रिकॉर्ड करते हैं, इसको पूरा हटा सकते हैं, राइट। तो अब दोबारा हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, जानबूझ के मैं कर रहा हूँ, जो बोला है तो वहां पर प्रायः मतलब ज्यादा फंबल हुआ नहीं, जानबूझ के फंबल को लेके आने की कोशिश करूंगा ताकि रिकॉर्डिंग करते हैं। आइए शुरू करते हैं रिकॉर्डिंग। ओके स्टार्ट। साथियों नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त अजीत होरो, और आज के इस सेशन में आप सबों का हार्दिक स्वागत है, और आज हम बातचीत करेंगे ऑडेसिटी सॉफ्टवेयर के बारे में। ऑडेसिटी सॉफ्टवेयर के बारे में आप सबों को बता दूं कि ये ओपन सोर्स उपलब्ध है, और
ओपन सोर्स का मतलब है कि आपको इसको लेने के लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है, कोई भी इसका इस्तेमाल कर सकता है। तो आगे ऑडेसिटी के बारे में और बात करते हैं, अभी के लिए इतना ही रोक लेते हैं। स्टॉप के बारे में आप लोगों को क्या बताया, आप लोगों को ये बताया कि हम स्टॉप करने के लिए या तो हम स्क्रीन से भी स्टॉप कर सकते हैं जा करके, जहां पर है स्टॉप बटन दिखा दीजिए, यहां पर, यहां से भी आप रिकॉर्डिंग स्टॉप कर सकते हैं या आप स्पेस बार से भी स्टॉप कर सकते हैं, दोनों तरीके। तो आइए अब हम इसको एडिट करने की कोशिश करते हैं। जी अब देखते हैं, तो जब एडिट करना है तो अभी ये एडिट कैसे होगा, आइए। एडिटिंग का मतलब है अगर फंबल है, बीच में खांसी है, बीच में कुछ और है, अगर कुछ अनवांटेड, अगर कुछ साउंड आ गई तो आप उसको हटा सकते हैं। तो इस समय इसको एडिट करके देखते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कोई एक साउंड है जो कि अनवांटेड है ना, ये आपको दिखाई पड़ रहा होगा, इसको हमने ले लिया। और एक बार सुना दीजिए क्या है ये, शुरू में कुछ खांसने की या कुछ ऐसी है। हाँ, तो इसकी आवश्यकता हमको नहीं है, तो हम इसको इस समय एडिट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम सिलेक्शन में जाएंगे, सिलेक्शन में हम जाते हैं। सबसे पहले जो यहाँ पर आई, आपका कैपिटल आई जो कि दिखाई पड़ रहा है ना, दिस इज अ सिलेक्शन टूल, तो यहाँ जाकर के हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। इसको डीसेलेक्ट करके दोबारा एक बार इसको सेलेक्ट करते हैं, ये डीसेलेक्ट है अभी यहाँ पर, आपने यहाँ पर सेलेक्ट किया, इसको क्लिक किया, ये सेलेक्ट हो गया। नीचे आते हैं, अब हमने इसको सेलेक्ट किया और अब हमने इस पूरे फ्रेम को, इस आवाज को अब हमने यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर दिया। अब इसको डिलीट करना है, तो डिलीट करने के लिए ऑप्शन है कि आप अपने यानी कीबोर्ड से भी जो डिलीट ऑप्शन है वहां पर जाइए, आप इसको डिलीट कर सकते हैं। आइए इसको डिलीट करते हैं, नाउ डिलीटेड। अब इसको दोबारा सुनते हैं, अभी देखेंगे कि वो जो शुरू की आवाज थी, हाँ शुरू की जो आवाज थी वो इस समय हट गई है। ओके ठीक है, आगे चलते हैं, चलिए हाँ इसको बजाते हैं। साथियों नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त अजीत होरो और आज के सेशन। हाँ रोकते हैं, और यहाँ पर आपने देखा कि जानबूझ के खांसी है ना, जानबूझ के खांसा हूँ ताकि हम इस समय देख सके हम इसको एडिट कैसे कर सकते हैं। तो एडिट जब भी करें तो शुरू से सुनना शुरू कीजिए, बीच में ऐसा कुछ ना हो। साथियों नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त अजीत होरो और आज के इस सेशन में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। रोक लेते हैं, है ना, तो यहाँ पर आपने देखा आप सबों का, और उसके बाद आप सबों का, हाँ अब जहाँ पर खांसी है हमने उसको पूरा सिलेक्ट किया, आगे पूरी खांसी जा रही है। वेब फॉर्म अगर आप देखेंगे तो जोर से खांसा हो, इससे ये ज्यादा मोटा आपको दिखाई पड़ रहा है ना, ज्यादा हेल्दी वेब फॉर्म दिखता है। नॉर्मल बोलने का जो वेब फॉर्म है वो आप यहाँ पर देख रहे होंगे, बिल्कुल वो नॉर्मल चल रहा है, लेकिन बीच में इतना बड़ा है तो उसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है ना, या कोई चिल्लाया हो। अच्छा ओके, और कोई रिकॉर्ड कर रहा है, राइट। तो यहाँ पर इस समय हम इसको हटा सकते हैं, इस समय हम लोग का अनुभव ऐसा हो गया कि वेब फॉर्म देख के ही समझ में आ जाता है ना, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे अभ्यास होगा तो हम सब कुछ समझ पाएंगे। तो अब आइए इसको हटाते हैं, इसको हटाने के लिए वी कैन गो टू डिलीट, और इसको हम डिलीट कर सकते हैं। देखिए अब ये डिलीट हो गया, अब इसको सुन के देखते हैं। जी हाँ, सेशन में आप सबों का हार्दिक स्वागत है और आज हम बातचीत करेंगे ऑडेसिटी सॉफ्टवेयर के बारे में, राइट। तो इसको एक बार पूरा सुन लेते हैं। साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अजीत होरो और आज के इस सेशन में आप सबों का हार्दिक स्वागत है और आज हम बातचीत करेंगे ऑडेसिटी सॉफ्टवेयर के बारे में। ऑडेसिटी सॉफ्टवेयर के बारे में आप सबों को बता दूं कि ये ओपन सोर्स, राइट। यहाँ पर फिर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अभी हटाने की आवश्यकता है ना, तो हमने इसको हटाया, यहाँ तक हम इसको डिलीट कर सकते हैं, ये डिलीट हो गया। थोड़ा बैक से सुनेंगे ताकि बीच में कुछ छूट ना गया हो, हल्का सा बैक कर दे। जी हाँ अब इसको सुनते हैं। ऑडेसिटी सॉफ्टवेयर के बारे में आप सबों को बता दूं कि ये ओपन सोर्स का मतलब है कि आपको इसको लेने के लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है, कोई भी इसका इस्तेमाल कर सकता है। तो अच्छा कोई बात नहीं, यहाँ से हम काट लेते हैं, इसको यहाँ से काट लेते हैं ताकि हम शॉर्ट में चले, आगे का पूरा उड़ा दी, इतना लंबा क्या जाएंगे, है ना, राइट। तो यहां तक हमने हटा दिया, अब इस ये जो हमारा है, नाउ दिस इज कॉल्ड द एडिटेड वर्जन। हम लोग पहले इसको स्पोकन एडिट बोलते थे, आजकल ये वर्ड बहुत कम हो गया। स्पोकन एडिट मतलब जो बोला गया है सबसे पहले, जहां भी आप रिकॉर्ड, हाँ
आवाज आ रही है ना? हेलो जी सर, आ रही है आपकी आवाज? आ रही है। ओके, हाँ थोड़ा कंसंट्रेट कीजिएगा। तो अभी का अभी जो आपने देखा, शुरू में जानबूझ के कुछ मिस्टेक किया मैंने, बीच में खांस लिया और बीच में बोलने में भी हल्का सा फंबल किया, वो इसलिए कि आप लोग देख सके कि हाउ इट कैन बी एडिटेड। तो अब ये एडिट हो गया है ना, नाउ दिस इज कॉल्ड द एडिटेड वर्जन। स्पोकन एडिट अब ये एकदम साफ सुथरा हो गया है, अब ये सुनने के लायक है। अब इसमें हमको कुछ ब्यूटी डालनी, यूं भी आप इसको बजा सकते हैं, ऐसे कुछ नहीं, कोई लेक्चर क्लास में दीजिए तो सिंपली इसको ऐसे रिकॉर्ड करके भी आप उसको ये कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखें कि इसका इस्तेमाल बहुत अच्छा हो सकता है, मेनली आपका लिटरेचर में है ना, भाषा शिल्प के विकास में, उच्चारण को समझाने में ये एक बहुत अच्छा ये ऑडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। मतलब इसमें आप बहुत अच्छी तरह से बच्चों के लिए अच्छे अच्छे कार्यक्रम बना सकते हैं। तो अभी आगे हम चलते हैं इसी को। तो स्टेप वन अब देखते हैं, नाउ यू आर डन विद द एडिटिंग, ओके, एंड सेव्ड द फाइल एंड ट्रैक वन है ना। अब इसको हम सेव कर सकते हैं, अगर चाहे तो हम इसको सेव कर सकते हैं, कोई नाम भी इसको हम दे दें, ठीक है, ये सेव प्रोजेक्ट बोल रहा है, सेव में जाइए, इसको हम सेव कर रहे हैं। सेव प्रोजेक्ट इज फॉर एन ऑडेसिटी प्रोजेक्ट, नॉट एन ऑडियो फाइल, ओके, फॉर एन ऑडियो फाइल दैट विल ओपन इन, ठीक है ठीक है। तो अभी हम इसको सेव करते हैं, यहाँ पर अभी ये कोई ना कोई नाम पूछेगा हमसे, नाम यहाँ पर पूछ रहा है, और आपको एक डेस्टिनेशन बताना है कि कहाँ पर हम सेव कर रहे हैं। तो अभी कोई बात नहीं, अभी फिलहाल सेव नहीं करते, ओके ठीक। तो यहाँ से करके आप इसको जहाँ पर डेस्टिनेशन, डेस्कटॉप हो सकता है, जहाँ भी हो सकता है, ये आप समझ सकते हैं। तो इसको हम सेव कर सकते हैं। तो अभी सेव हम इसे नहीं करेंगे कि अभी वी आर नॉट डन बाय इट, अभी तक कई चीजें बाकी हैं, तो इसीलिए अभी हम इसमें थोड़ा सा आगे चलेंगे। अब ये आपका एडिटेड वर्जन है, अब इसमें क्या करना है, अब हमको एक काम करना है कि यहाँ पर अब हमको इसको इफेक्टिव कैसे बनाना है, अब हमको देखना है कि इसमें हम म्यूजिक कैसे डाल दें, अब हमको वो देखना है। तो मान लिया कोई म्यूजिक हमको इसमें डालना है, तो अब एक काम करना पड़ेगा, नाउ गो टू द ऑप्शन ट्रैक्स, ट्रैक जो ऑप्शन है, क्योंकि ये मैंने इसलिए बोला, अब एक नए ट्रैक की हमको जरूरत पड़ेगी जहाँ पर कि हम म्यूजिक डालेंगे, यहीं पर तो रिकॉर्ड नहीं होगा ना, तो अलग ट्रैक, ये एक सिंगल ट्रैक है, ये एक हमारा सिंगल ट्रैक है, और अब एक ट्रैक और हम डालेंगे। तो क्यों डालेंगे, इसलिए कि वहां पर हमें म्यूजिक ऐड करना है, उसके लिए हमको एक नया ट्रैक चाहिए होगा। तो ऐड न्यू में जाएंगे, ऐड न्यू करते हैं, एक नया ट्रैक इस समय हम डालते हैं, ठीक है, हाँ ऐड न्यू, हाँ ठीक है। तो एक ट्रैक और आगे नीचे आप इस समय देख सकते हैं, नीचे आपको दिखाई पड़ रहा है, ओके, नीचे आपको दिखाई पड़ रहा है, ये एक नया ट्रैक है, और अब हम चाहेंगे कि जो म्यूजिक है वो हम यहाँ पर लेकर के आए, ओके, यहाँ पर आपको साउंड इफेक्ट चाहिए। लेकिन इससे पहले एक बात आपको श्योर होना चाहिए कि म्यूजिक आपके पास हो। म्यूजिक कहाँ से लाएंगे, तो डेस्कटॉप में या कहीं पर आपके पास एक ऑलरेडी सेव्ड म्यूजिक होना चाहिए, क्योंकि आपका इम्पोर्ट तो तब होगा ना, नहीं तो इम्पोर्ट कहाँ से होगा अगर सामग्री नहीं है। तो अभी हम इम्पोर्ट करेंगे एक म्यूजिक, और अभी हम देखते हैं अब इसके लिए क्या करना है हमको। स्टेप फोर में हम जा रहे हैं, अब हम जाएंगे, नाउ यू क्लिक द ऑप्शन इम्पोर्ट, इम्पोर्ट में हम जाएंगे, और इम्पोर्ट में जाने के फाइल में हम जाते हैं, फाइल में जाने के नीचे आप देख रहे हैं यहाँ पर इम्पोर्ट है। इम्पोर्ट में आपको क्या करना है, यू हैव टू इम्पोर्ट द ऑडियो फाइल, ओके, तो ऑडियो फाइल में जाइए, और एक बार मैं इसको रिपीट कर लूँ कि ये एडिटेड वर्जन है। शुरू में जो हमने रिकॉर्ड किया उसमें जानबूझ के फंबल डाला मैंने, बीच में खांसने की आवाज भी है, बिल्कुल साफ सुथरा, अब ये एक साफ सुथरा एडिटेड वर्जन है। लेकिन लग रहा है कि सुनने में अच्छा लग रहा है, ओके, लेकिन हल्की म्यूजिक हो जाती तो और अच्छा लगता है ना, हल्की म्यूजिक होती तो और अच्छा लगता। तो अब हम इसमें म्यूजिक डाल रहे हैं, डालने के लिए क्या किया, रिकैप अगेन, और वो ये है कि हमने एक नया ट्रैक और बनाया, नया ट्रैक नहीं बनाएंगे तो कहाँ डालेंगे, तो हमको एक नया ट्रैक बनाना पड़ेगा। नया ट्रैक बन गया, जो कि आप नीचे देख सकते हैं, ऊपर में जो एडिटेड वर्जन है वो दिखाई पड़ रहा है, ओके, और नीचे आपको एक ब्लैंक ट्रैक दिखाई पड़ रहा है। तो अभी आप देखेंगे एक म्यूजिक यहाँ पर आ जाएगी, ओके राइट। तो अब हम करते हैं, नाउ वी विल गो टू इम्पोर्ट ऑडियो फाइल में हम गए, और जब यहाँ पर क्या, यहाँ पर ये शो कर रहा है, ये ऑलरेडी मेरा एक फोल्डर है डेस्कटॉप के अंदर, और उसमें ये सारी म्यूजिक है, आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ट्रैक गुड म्यूजिक पियानो, अच्छा ट्राइबल म्यूजिक, विलेज बर्ड्स,
वाटर बर्ड्स, इस प्रकार के साउंड इफेक्ट यहाँ पर है। तो अभी हम ये करेंगे क्योंकि जो कथन है जो मैंने कहा है उसके हिसाब से कोई यहाँ पर बर्ड का मतलब तो है नहीं, या मैं नदी के किनारे थोड़ी बोल रहा हूँ, मैं तो सिर्फ एक ऑर्डर सिटी के बारे में बता रहा हूँ। तो डिसीजन ये अच्छा रहेगा कि हम इसमें एक अच्छा कोई बैकग्राउंड म्यूजिक डाल दें ताकि सुनने का आनंद ज्यादा बढ़ जाए। तो हम आते हैं ट्रैक गुड म्यूजिक पियानो, हमने इसको क्लिक किया, अब नीचे आ रहे हैं, देखिए माउस को फॉलो कीजिएगा, माउस को फॉलो कीजिएगा एंड वी आर कमिंग टू, हाँ यहाँ पर ओपन जो आपका ऑप्शन है यहाँ पर है, इसको हम खोलते हैं इस समय, हम खोलेंगे इस समय। और जब इसको हमने खोला, अब देखिए यहाँ पर ये इसको इम्पोर्ट कर रहा है, म्यूजिक इम्पोर्ट हो गई। अभी आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है ये पूरा म्यूजिक, ये म्यूजिक है, एक बार म्यूजिक को सुन के देखते हैं, हल्का सा सुन लेते हैं, बस ऐसी ऐसी हल्का सा सुन लेते हैं, म्यूजिक ही है ना। ओके ये वाली म्यूजिक है, ओके ठीक है। तो अब हम एक काम कर सकते हैं, अब हमको जो मैंने बोला है, जो हमने बोला है, अब हम चाहते हैं इसके बैकग्राउंड में म्यूजिक है। तो ऊपर का ट्रैक आप देख रहे हैं, ऊपर का ट्रैक, और ये वो ट्रैक है जिसमें कि स्पोकन एडिटेड है ना, जहाँ पर कि हमने बोल करके अपनी वॉइस को रखा है, और नीचे भी म्यूजिक है। तो अब हम इसको मिक्स करेंगे, लेकिन हम ऐसा चाहते हैं, इसको थोड़ा स्पेक्यूलेट कीजिए कि हम चाहते हैं पहले म्यूजिक आए, म्यूजिक हल्का सा बजे, म्यूजिक धीरे धीरे करके कम हो जाए, फिर जो कुछ मैंने बोला है वो आए, हम इस समय इसको ऐसा चाहते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इस पूरे स्पोकन एडिट का जो ट्रैक है इसको अब हम इस प्रकार से खिसका के ले जाएंगे, रोक लेते हैं यहाँ पर, नहीं और थोड़ा आगे ले जाएंगे, नहीं यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि शुरू में अब जो म्यूजिक का ट्रैक है वो थोड़ा उसकी शुरुआत कुछ मतलब पहले से होगी, तो उसका मतलब ये हुआ कुछ पहले से होगी, उसका मतलब ये कि म्यूजिक पहले होगी, उसके बाद बीच में जो कहा है वो आएगा, और फिर बाद में हम चाहते हैं म्यूजिक के साथ ये खत्म हो। तो म्यूजिक के साथ खत्म हो तो हमने आगे भी थोड़ा सा टेल इसका छोड़ दिया है, इसका टेल हमने थोड़ा सा छोड़ दिया है। तो अभी हम इसको देखते हैं, नाउ वी आर गोइंग टू मिक्स डाउन दिस प्रोग्राम, ओके। तो अब हम देखते हैं इसी को, अब क्या है कि इसमें अब दो तीन बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, अब हमने ये कर लिया, अब हमारे पास दो ट्रैक है, अब हमको कैसे मिक्स करना है, ओके। स्टेप वन, गो टू द ऑप्शन एनवेलोप, एनवेलोप में जब जाएंगे यहां पर देखिए आप इस समय जो पॉइंटर है वो ये जो साइन है ये एनवेलोप का है, एनवेलोप मतलब आप एक ही लिफाफे में, लिटरली ये हुआ एक ही लिफाफे में आप कई आइटम को रखने वाले हैं। तो इस एनवेलोप में हम क्या क्या रखने वाले हैं, जो कुछ मैंने बोला जी वो, और नंबर टू जो म्यूजिक है वो है ना, तो दोनों को हमको रखना है। तो अब हम आते हैं एनवेलोप में, तो आइए इस समय इसको एनवेलोप करते हैं, इसको क्लिक कीजिए, एनवेलोप को भी हम क्लिक करेंगे, हाँ तो हाँ यहाँ पर एनवेलोप हो गया। अब इसको थोड़ा सा हम देखते हैं कि हम म्यूजिक कैसे रहेंगे, ठीक है आते हैं इस समय, ओके हाँ ठीक है। स्क्रीन पर सर माउस पॉइंटर नहीं दिखने से कुछ दिक्कतें आ रही है, नहीं ये यहाँ तो यहाँ दिखाई पड़ रहा है, अच्छा ओके ओके देखते हैं अभी। सर माउस पॉइंटर दिख रहा है, माउस थोड़ा छोटा होता है तो कहीं कहीं वो कर्सर चेंज होता है, आप थोड़ा ध्यान से देखिए नजर आएगा। हाँ है जी, बीच में नहीं दिख रहा था जी, अब दिख रहा है, थैंक यू। अभी हमने इसको एनवेलप किया और अभी थोड़ा ध्यान से देखिएगा, नहीं बात ठीक बोल रहे हैं, माउस पॉइंटर मुझको भी ध्यान से देखना पड़ रहा है क्योंकि जो स्क्रीन का कलर है ना, मैं अगर इसको थोड़ा डिम कर दूं तो क्या मतलब दिखाई पड़ेगा क्या? हम ऐसे रखते हैं, ओके। आप देख रहे होंगे कि दोनों जो साउंड बाइट्स हैं, अब हम इसको साउंड बाइट कहेंगे, ओके। तो ये साउंड बाइट है और आपने देखा होगा कि व्हाइट व्हाइट इसके ऊपर आ गया, जो व्हाइट व्हाइट लेयर को आप देख रहे होंगे, दैट इज अ साइन ऑफ एनवेलोप। और देखिए अब पॉइंटर को एक बार फिर से एक बार देखते हैं, एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट में देखिए, अभी हम चाहते हैं कि अभी इसको हम स्टार्ट करें, देखिए इसको हल्का सा प्रेस किया, म्यूजिक यहाँ पर आ गई, मतलब म्यूजिक यहाँ पर बिल्कुल टॉप लेवल पर है। अब हम आते हैं जहां पर बोला है मैंने, अब पॉइंटर को देख रहे होंगे ये बिल्कुल डमरू की तरह हो गया है ना, डमरू की तरह दिखाई पड़ रहा है,
देख सकते हैं आप, इसको नीचे की ओर हम थोड़ा टॉगल डाउन करेंगे हल्का सा, और कर लें क्योंकि ये म्यूजिक थोड़ा ज्यादा है। हाँ, अब यहाँ पर देख रहे हैं ये बिल्कुल कम हो गया, तो इसका मतलब कि जहां पर मैं बोल रहा हूँ, ओके, शुरू में म्यूजिक स्टार्ट हुई, वी ऑल कैन सी, ओके, शुरू में म्यूजिक स्टार्ट हुई, उसके बाद फिर हमने देखा कि म्यूजिक को हमने बहुत कम कर लिया क्योंकि अब जो कुछ कहा गया है वो अब हमको सुनाई पड़ना चाहिए। तो एक बार हम अभी सुन के देखेंगे, शुरू से। जी साथियों नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त अजीत वरुण और आज के इस सेशन में आप सबों का स्वागत। हाँ, मुझको ऐसा लगा कि अभी भी जहाँ बोल रहा हूँ ना वहां पर म्यूजिक ज्यादा थी, है ना, तो जजमेंट हमको करना पड़ता है। ओके, तो अभी देखेंगे तो नाउ आई बिलीव कि अभी बिल्कुल ये ठीक हो गया होगा। अभी दोबारा इसको बजा के देखते हैं, अभी आप देख सकते हैं। और ये जो ऑप्शन था ये एनवेलप का था, एनवेलप में जब जाएंगे तभी हम ऐसा कर सकते हैं। अब हम आगे चल के देखते हैं, अब दोबारा इसको सुनते हैं। ठीक है साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अजीत वरुण और आज के इस सेशन में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। और आज हम बातचीत करेंगे ऑडेसिटी सॉफ्टवेयर के बारे में। ऑडेसिटी सॉफ्टवेयर के बारे में आप सबों को बता दूं कि ये ओपन सोर्स का मतलब है कि आपको इसको लेने के लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। ओके, यहाँ पर समाप्त हो गया। अब यहाँ पर हम चाहते हैं कि क्योंकि यहाँ पर कार्यक्रम समाप्त हो रहा है, मान के चलते हैं, अभी समाप्त तो नहीं हुआ लेकिन मान के चलते हैं यहाँ पर खत्म हो गया, तो यहाँ पर हम चाहेंगे कि म्यूजिक यहाँ पर उठ जाए। तो म्यूजिक जैसे उठेगा तो डमरू को देखिए वो दिखाई पड़ रहा है, अब हम इसको उठा सकते हैं। और बढ़ा लीजिए। जी, हाँ, अब उसका मतलब जैसे बोलना समाप्त होगा तो म्यूजिक यहाँ पर शुरू हो जाएगी। और फिर हम इसको एंड भी कर रहे थे, इसको हम एंड भी कर रहे थे। एक जहां पर क्लिक करेंगे तो लॉक हो जाएगा, लॉक करने के बाद ही ये काम करता है। अब इसको बिल्कुल वहां पे पहले क्लिक करते हैं क्या, या डायरेक्टली उधर ही जाके वो मिनिमाइज छोटा जैसा करते हैं? और एक बार पूछेंगे सर प्लीज। हाँ, आप वहां पे जाके जहां पे आपको वॉल्यूम लो करना है उधर क्लिक करते हैं या डायरेक्टली उधर से ही? जी, वहां पर पहले क्लिक करते हैं, नहीं तो फिर वो पूरा का पूरा घूमता रहेगा। एक जगह आपको लॉक करना है पहले, लॉक करने के बाद तब आगे का जो हिस्सा है ना वो एक्टिवेट होता है ना। तो अब इसको सुनते हैं। अब इसको सुनते हैं, देखिए लास्ट ये कैसे आया, लास्ट का सुनते हैं। साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अजीत वरुण और आज के इस सेशन में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। और आज हम बातचीत करेंगे ऑडेसिटी सॉफ्टवेयर के बारे में। ऑडेसिटी सॉफ्टवेयर के बारे में आप सबों को बता दूं कि ये ओपन सोर्स का मतलब है कि आपको इसको लेने के लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। तो आपने देखा होगा कि ये किस प्रकार से फिर एंड हुआ है ना। तो इट कैन बी अ स्टोरी, इट कैन बी अ वेरी गुड पोएम, इट कैन बी एनीथिंग एल्स, इट कैन बी एनीथिंग एल्स सपोर्टेड बाय द आई मस्ट से द एफ म्यूजिक सुइटेबल म्यूजिक। जी एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोले। वो जो लॉक करने का प्रोसेस थोड़ा सा। अच्छा, ओके, और एक बार बताते हैं। और एक बार फिर से वो म्यूजिक कैसे आपने वहां पे बढ़ाया लास्ट में जाके और फिर कैसे उसको बंद किया सर, प्लीज एक बार पूरा फिर से बता दीजिए। अच्छा, और एक बार बताते हैं। तो एक नया प्रोग्राम और कुछ छोटा सा और रिकॉर्ड कर लें आप लोग बताइए। कोई बात नहीं, मुझको अच्छा लगेगा बता के दोबारा पूरा स्टेज सर। तो एक नया अभ्यास और इबर करते हैं ना, नया अभ्यास और इबर करते हैं क्योंकि ये तो इस बार ना वो नॉइज जो आप कॉफ करते तो वो अगर दूसरे का रहेगा तो उसको कैसे कट करेंगे, जो आप बोल रहे हैं जी और पीछे बैकग्राउंड में से किसी ने क्लैप मार दी और किसी ने विसल मार दी तो, लेकिन आप बोल रहे हैं उस समय अच्छा, तो वो नॉइज कैसे निकालना पड़ेगा? अच्छा, ओके, इसमें एक आपकी फैसिलिटी है, दैट इज अ नॉइज रिडक्शन, है ना। लेकिन ये उतना इफेक्टिव नहीं है। नॉइज रिडक्शन मतलब आसपास मान लिया फैन है कुछ है तो उसको थोड़ा हटा सकता है। रिकॉर्डिंग से पहले कोशिश करना चाहिए कि आसपास में ज्यादा साउंड की पॉसिबिलिटी ना हो। अब कोई बीच में बोल देगा तो आपको री रिकॉर्ड ही करना पड़ेगा अगर बीच में बोल दे तो, है ना। अभी आपको बताते हैं, वो भी अभी आपको हम बताएंगे। तो एक नई रिकॉर्डिंग करते हैं एकदम, इस प्रोजेक्ट को खत्म करते हैं, एक नई रिकॉर्डिंग करते हैं। देखिए यहां पर पूछा, हमने नो बोल दिया। ओके, नाउ वी आर रेडी फॉर द नेक्स्ट रिकॉर्डिंग।
ओके तो अब नया करने के लिए वी गो टू फाइल, ओके देन वी क्लिक ऑन टू द न्यू. जब हमने न्यू किया तो अब एक नया जो वर्किंग डायरेक्टरी वो यहाँ पर बिल्कुल तैयार हो गया. नाउ वी गो टू, क्योंकि हमको ट्रैक की जरूरत पड़ेगी, यू ही तो यू भी अगर रिकॉर्ड प्रेस कर देंगे तो आ जाएगा, लेकिन हमको ट्रैक लाना चाहिए तो सिस्टमेटिक चलना अच्छा है ना, स्टेप वाइज. सो नाउ वी आर गोइंग टू ट्रैक एंड देन इट इज आस्किंग फॉर एड न्यू, सो वी आर गोइंग फॉर द ऑप्शन मोनो ट्रैक. इट कैन इवन बी स्टीरियो, दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम, बट वी हैव चोजन मोनो ट्रैक क्योंकि शुरू में यहां से सीखेंगे तो अच्छा रहेगा. सो नाउ वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड. ओके यहां तक क्लियर है? अगर क्लियर है तो आप लोग बोल सकते हैं, अगर यहाँ तक बिल्कुल साफ सुथरा है तो. जी सर, जी सर, बिल्कुल. हाँ सर, समझ गया. अच्छा अब देखिए आगे चलते हैं, ठीक है? मैं ट्राई करूंगा, थोड़ा छोटा ही बोलूं, लेकिन इसको अभी हम ट्राई करते हैं. सो नाउ अब हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं. तो इम्पोर्टेंट है, रिकॉर्डिंग से पहले आप स्क्रिप्ट को सामने रखिए, राइट? और अगर मान लीजिए कोई स्क्रिप्ट है तो आजकल तो हर कोई के पास मोबाइल है ना, इमोजीज आती हैं, तो कहाँ स्माइल करना है, कहाँ पर स्माइल नहीं करना है, कहाँ थोड़ा सैड होना है, कहाँ रुकना है ना. मतलब पंक्चुएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर बिना पंक्चुएशन के हमने बोला तो फिर आप कितना भी अच्छा रिकॉर्डर लगा लो, कुछ होने वाला नहीं है ना. तो इम्पॉर्टेंट होता है कि हमको बोलना कैसा है, और आप वहां पर मार्क कर लीजिए. अच्छा, जब लिखते हैं तो थोड़ा थोड़ा स्पेस देके लिखिए, ताकि हल्का हल्का आप बीच में उसको शो कर सके कि एक जगह, जैसे मैंने स्लैश लगा दिया. स्लैश का मतलब है, साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अजीत होरो, और आज के कार्यक्रम में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ. अब जैसे यहाँ पर मैंने एक इमोजी लगा दिया हंसने वाला, तो था इफ यू स्माइल विद द माइक्रोफोन द वर्ल्ड इज गोइंग टू स्माइल विद यू माय डियर फ्रेंड्स. बार बार मैं बोलता हूँ, मोनिका जी को तो याद होगा, हम दोनों ने बहुत आपस में काम किया है, बहुत समय तक काम किया है. तो एक बात मैं अक्सर बोलता हूँ कि इफ यू स्माइल विद द माइक्रोफोन द वर्ल्ड इज गोइंग टू स्माइल विद यू. जैसे मान लिया ये माइक है, अभी मान लेते हैं माइक है, बोलने से पहले मुझको स्माइल करना चाहिए. आई एम टॉकिंग टू अ ब्लाइंड फ्रेंड. He is unable to see me. I am unable to see him. I am blind for him and he is blind to me. So, हमारे पास एक ही माध्यम है बोलने का, वो है माइक्रोफोन. माइक्रोफोन में अगर मैं स्माइल करता हूँ तो ये जो स्माइल की जो वाइब्स है ना, ऑलरेडी अगला आदमी समझेगा इसको. जैसे देखिए, मैं इस समय बोलता हूँ, बिना स्माइल किए बोल रहा हूँ, साथियों नमस्कार. मैं थोड़ा स्माइल करके बोलता हूँ, साथियों नमस्कार. आपने देखा होगा, बिल्कुल फर्क हो गया है ना, आता है ना फर्क? हाँ नहीं सर, बिल्कुल जी सर. एंड इफ यू क्राई विद द माइक्रोफोन द वर्ल्ड आता है सर. यस, एंड इफ यू क्राई विद द माइक्रोफोन द वर्ल्ड इज गोइंग टू क्राई विद यू, है ना. इट इज अ कोट बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू, है ना, बहुत अच्छा कोट किया उन्होंने. तो हमको अच्छा, ये नहीं कि कोई भी कार्यक्रम है तो हंसने लगे, मतलब उसका मूड देख लें पहले. तो अकॉर्डिंगली है ना, इमोजीज आप जरूर डालिए, या बीच में आप पॉजेस के लिए आप गैप लगाइए, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो. मेरे पास अभी स्क्रिप्ट नहीं है, मैं अंदाज से बोलूंगा, लेकिन आइए इस समय अब रिकॉर्ड करते हैं. ओके, तो रिकॉर्डिंग प्रोसेस में हम आते हैं. तो आप माउस को इस समय आप फॉलो कर सकते हैं. मेरे पास स्क्रिप्ट अभी कुछ है नहीं, आई विल ट्राई टू मेक एज लेस एज मिस्टेक, लेकिन इस समय बोलने की कोशिश करता हूँ. ओके, तो अब हम रिकॉर्ड करेंगे. ओके, स्टार्ट करते हैं. साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अजीत होरो, और आज के इस कार्यक्रम में आप सबों का हार्दिक स्वागत है. आप सबों का खैर मकदम, आप सबों का इस्तकबाल करता हूं. दोस्तों, आज हम बातचीत करेंगे. आपने हाल में एक फिल्म के बारे में सुना होगा, और फिल्म का नाम था टाइटेनिक. इस फिल्म को बहुत सारे ऑस्कर अवार्ड भी मिले, और अगर इसको हम कहें तो ये दुनिया की सबसे वर्स मरीन ट्रेजेडी थी, सबसे बड़ी समुद्री दुर्घटना. इसके डूबने के बारे में बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारे शोध आज तक चल रहे हैं कि ये क्यों डूबा. लेकिन एक बहुत बड़ी वजह ये थी इसके डूबने की, कि इसने चेतावनियों पर ध्यान नहीं दिया. आपको बताएं कि टाइटेनिक जब अटलांटिक महासागर में जब क्रूज कर रहा था, जब ये जा रहा था, तो उस समय बहुत सारे शिप आसपास थे, और उन्होंने टाइटेनिक को मैसेज भेजा था, आइसबर्ग्स अहेड, आइसबर्ग्स नियर बाय. लेकिन टाइटेनिक ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उनके अंदर एक अहंकार था. दे हैड अ टेक्निकल, आई मस्ट से दे हैड द ईगो ऑफ देयर टेक्निकल एक्सीलेंसी, एंड दे सेड, डू दे नो हुम दे आर टॉकिंग टू? दे आर टॉकिंग टू टाइटेनिक, एंड दे इग्नोर्ड द मैसेज. तो दोस्तों, उसके डूबने का एक कारण ये भी था. तो आज, इससे पहले कि हम आज की परिचर्चा में आगे चलें, आपको मैं ये बता दूं कि बहुत बार हमारे जीवन में भी कई प्रकार की वार्निंग्स आती हैं, मैसेजेस आते हैं, और
एक काम जरूर करना चाहिए कि इस प्रकार की वार्निंग्स को हमको ध्यान देना चाहिए। शायद कोई बुरी आदत लग गई हो, शायद कोई जिंदगी के अंदर ऐसी बात हो जो कि शायद आगे चल के हमारे लिए हानिकारक हो, तो यदि इस प्रकार का कोई मैसेज आए, हमारे मित्र कहें, हमारे माता पिता कहें, तो आज के दिन हाथ जोड़ करके आप सबों से नम्र निवेदन है कि उसको इग्नोर ना करें। टाइटेनिक के ग्रेट टाइटेनिक माइटी टाइटेनिक उसके डूबने का बहुत बड़ा कारण ये था, उसने मैसेज को इग्नोर किया। तो आइए मैसेज को इग्नोर ना करें। सो थैंक यू वेरी मच। आज के पॉडकास्ट में मैं आपका दोस्त अजीत होरो एक बार फिर से आप सबों का स्वागत तो किया, लेकिन अब विदा लेता हूं। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। रिकॉर्ड हो गया सर है? ये आपका रिकॉर्ड हो गया, ये पूरी कहानी आ गई। ओके, अब कुछ ऐसा हुआ कि फंबल हुआ नहीं ज्यादा, है ना, तो अब हम एडिट नहीं करेंगे। तो अब आपने देखा कि ये पूरा रिकॉर्ड हो गया। इट इज द स्टोरी ऑफ टाइटेनिक, और बहुत छोटे शब्दों में मैंने ऑलमोस्ट पूरी बात बोल दी। ओके राइट, अब यहाँ पर रिकॉर्डिंग एंड कैसे किया? रिकॉर्डिंग का एंड, अच्छा मैं एक बार बोलता हूँ, मैं आप इस समय सुन दीजिए। तो साथियों, आशा है कि आज का ये कार्यक्रम आपको जरूर जरूर पसंद आया होगा। आशा ही नहीं, हमारा तो विश्वास है कि आपको पसंद आया होगा। लेकिन अब हमारे प्रसारण का समय समाप्त होता है, तो इसीलिए इस समय अपने दोस्त अजीत होरो को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, मैं ऐसे भी एंड कर सकता हूँ, राइट? नहीं सर, ये वो बटन ढूंढ रहे, बटन टेक्निकली सर, टेक्निकली। ओके ओके, आपका टेक्निकली, आप सीधा स्पेस बार को दबाइए। ओके ओके, या तो यहाँ पर ये पॉइंटर घूम रहा है ना, वहाँ देखें, वहाँ स्टॉप लिखा हुआ। घर से, ओके ओके, थैंक यू सर। नहीं, घर से मेरा, हमने रात भर बनाई थी। अच्छा अच्छा, आइए अब हम इसको करते हैं। अब हम चाहते हैं इसके पीछे, मैम सर, हाँ थोड़ा शांत हो जाए तो आगे चलते हैं, राइट? तो अब आगे चलेंगे। अब हम चाहते हैं इसके पीछे एक म्यूजिक हो। अब म्यूजिक कैसे होगा? सेम एक्सरसाइज वी आर गोइंग टू रिपीट। ओके, तो अब हम आएंगे ट्रैक, उसके बाद हम बोलेंगे एड न्यू, एक मिनट रुकेंगे। एड न्यू मैंने क्यों बोला? मैंने इसलिए बोला क्योंकि अब हमको म्यूजिक डालना है तो हमको नए ट्रैक की जरूरत पड़ेगी। इसको याद रखें, जब भी कुछ डालना है तो एड न्यू में जाना पड़ेगा। तो एक नया ट्रैक हम डालते हैं, तो एड न्यू, गो टू मोनो एंड वी विल क्लिक इट। जब व्हेन वी क्लिक्ड इट, वी कैन सी दैट अ न्यू ट्रैक हैज अपीयर्ड, है ना, ये अब हमारे सामने आ गया है। अब इस ट्रैक के पीछे जो स्पोकन एडिट, अब मिस्टेक तो हुई नहीं ज्यादा, तो इसलिए अभी हम इसको एडिट नहीं करते हैं। अब इसमें हम म्यूजिक डालेंगे। अब म्यूजिक डालने के लिए हम देखिए कहां पर आ रहे हैं। मैं सर, प्लीज ये दूसरा ट्रैक कैसा है, मैं नहीं देख पाई एक बार प्लीज सर। अच्छा, ओके ओके ओके, आप ट्रैक में गए, एड न्यू में गए, राइट, दिख रहा है ना? उसके बाद हम गए, उसके बाद हम गए मोनो ट्रैक में, और मोनो स्टीरियो, मतलब इससे ज्यादा कंफ्यूज मत होइएगा, ये मोनो भी हो सकता है, स्टीरियो भी हो सकता है। आपने क्लिक किया तो एक नया ट्रैक ऑलरेडी आ जाएगा, बिकॉज यू हैव एडेड न्यू ना, तो एड न्यू के थ्रू आता है ट्रैक। ओके, ये क्लियर है? ओके सर, ओके, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, आगे चलते हैं। अब इसको हम चाहते हैं कि हम इसको मिक्स करें। ओके, तो मिक्स करने के पहले अब हम जाएंगे कहाँ बताइए? हम जाएंगे फाइल में, और अब हमको अब हमको दूसरे पोर्ट से, दूसरे इम्पोर्ट करेंगे। ओके? तो अभी हम जैसे इम्पोर्ट में आ गए, जब हम इम्पोर्ट में आते हैं तो अब क्या इम्पोर्ट करना है? तो वी हैव टू इम्पोर्ट द ऑडियो। ओके, ऑडियो फाइल, हाँ ऑडियो फाइल। तो इसका जो आपका ये आपका कीबोर्ड कमांड भी सामने है, उससे भी हो सकता है, माउस से भी हो सकता है। तो ऑडियो फाइल, इसको क्लिक करेंगे। जब क्लिक करेंगे तो इट विल शो यू कि ये ऑलरेडी आपके पास ये म्यूजिक पहले होना चाहिए, राइट? ये आपके पास पहले से होना चाहिए। तो ये म्यूजिक मेरे पास था, ये फोल्डर मैंने बना रखा है डेस्कटॉप में, तो डेस्कटॉप में ये म्यूजिक है, सेम म्यूजिक वी आर गोइंग टू पुट नाउ। तो ऐड ट्रैक गुड म्यूजिक पियानो, अभी हम इस म्यूजिक को डालते हैं। इसको क्लिक कीजिए, इसको डबल क्लिक भी करेंगे तो चला जाएगा, लेकिन सिंगल क्लिक करके ओपन में आइए। और जब हम ओपन करते हैं तो इस समय देखेंगे ध्यान से स्क्रीन को, यहां पर देख रहे हैं ना, ये म्यूजिक आ गई, राइट? अब ये म्यूजिक ट्रैक हमारे पास है, और अब हमको इसको मिक्स करना है। लेकिन अब एक बात यहां पर आ रही है, आप देख रहे हैं कि म्यूजिक का ट्रैक छोटा है, हाँ, और जो मैंने बोला है वो ट्रैक बहुत बड़ा है। तो अब हम इसी ट्रैक को कॉपी कर लेंगे। आप ये देख सकते हैं ना कि जो मैंने बोला है उसकी जो लेंथ है वो बहुत आगे तक चली गई।
अब म्यूजिक हाँ और जो म्यूजिक ट्रैक है वो तो बहुत छोटा है, तो वी कैन कॉपी एंड वी कैन पेस्ट इट। इसको कैसे किया, इसको डबल क्लिक किया, इसको कॉपी किया और इसको पेस्ट कर दिया हम, ठीक है। तो अब ये दोनों ट्रैक अब जुड़ गए, नाउ वी आर गोइंग टू मिक्स इट डाउन, राइट। तो आइए अब इसको मिक्स डाउन करते हैं। तो आइए गो टू द बिगिनिंग, बिल्कुल स्टार्टिंग में, नीचे में स्लाइडिंग बार है देखिए, उसको खिसका के हम बिल्कुल यहाँ पर आ गए। अब यहाँ पर म्यूजिक है और जो मैंने बोला है उसको लेकर के आते हैं, राइट। तो इसके द्वारा हमने सरका लिया, मतलब इतनी दूर तो म्यूजिक चाहिए, ओके, ठीक है। तो यहां तक हमको म्यूजिक चाहिए और आगे भी हमने कॉपी कर ली तो हो जाएगा। अब हमको नाउ वी हैव टू टेक्निकली वी कॉल इट मिक्स डाउन, है ना, मिक्स डाउन करते हैं, मतलब वी आर नाउ द ऑप्शन इज एनवेलोप, ओके। आइए एनवेलोप में आइए, जहां मिक्स करना है, जहां आपको दो म्यूजिक को मिक्स करना है, तो एनवेलोप इस टर्म को याद रखिएगा, क्योंकि एनवेलोप में ही यू कैन पुट फ्यू पेजेस टुगेदर, एक भी रख सकते हैं कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर लिखा है देखिए एनवेलोप टूल, तो इसको अभी हम क्लिक करेंगे, इसको क्लिक कीजिए। जब क्लिक किया तो आप देख रहे हैं यहाँ पर व्हाइट व्हाइट आ गया पूरा, ओके। और लेकिन अब हमको जो ऑडियो जो मेरा लेवल है, जो मैंने बोला है वो ठीक ठीक है, तो आइए इस समय म्यूजिक को कम करते हैं। तो नाउ अभी एक सवाल था ना हाउ टू लॉक, तो लुक एट दिस आपका डमरू है, डमरू को देखते हैं, म्यूजिक को अभी हम कम करेंगे। देखिए यहाँ पर आपका पॉइंटर चल रहा है, पॉइंटर चल रहा है, घुमाते रहिए, यहाँ पर लाइए, यहाँ पर, राइट, जहां से मैंने बोलना स्टार्ट किया यहाँ पर आ गया। और अब इसको हम थोड़ा सा प्रेस करेंगे नीचे, मतलब टॉगल इट डाउन, जब डाउन करेंगे तो एक्सक्यूज मी सर, हाँ हाँ, जो चीजें आपने बोली है यानी आपने रिकॉर्ड किया है, आपकी आवाज और म्यूजिक के बीच ऊपर में जो गैप है, हाँ, यानी आप जो बोले वो आगे चला गया और म्यूजिक पीछे, यानी कुछ समय तक म्यूजिक बजेगा उसके बाद आपकी आवाज आएगी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो बिल्कुल। तो वो गैपिंग कैसे, उसको उसको हम ड्रैग करके आगे खींचेंगे या फिर, नहीं नहीं यहाँ पर आप देखेंगे ना ऑडियो ट्रैक में जाइए, अपने आप हाथ दिख रहा है, हाथ दिखाई पड़ रहा है, बिल्कुल सर, हाँ, तो हाथ से पकड़ के घसीट लीजिए, है ना, ऐसे है, ओके ओके सर, हल्का सा खींच सकते हैं उसको, ओके। तो अभी देखेंगे, अब देखिए, अच्छा शुरू को कभी हमने लॉक कर दिया, अब देखिए यहाँ पर हम लॉक कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर लॉक करते हैं, आवाज थोड़ा सा पीछे, अब देखिए इसको अभी हम डाउन करेंगे, आपने देखा होगा पॉइंटर लगाया जहां से मेरी आवाज स्टार्ट हुई है, आपको दिखाई पड़ रहा होगा, अब हमने इसको डाउन किया, डाउन करते हैं और डाउन और डाउन और क्योंकि इंपॉर्टेंट बात ना वर्ड है, बस बस बस, नहीं थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, बस बस इतना ठीक है। अगले ट्रैक को भी कर लेते हैं, जो अभी हमने ये कॉपी करके पेस्ट किया था, हमने इसको डाउन कर लिया, राइट। अब इसको हम सुन के देखते हैं कि ये कैसा सुनाई पड़ता है, लेकिन लेट अस गो टू द लास्ट सो दैट वी कैन लिसन टू अ कंप्लीट प्रोग्राम ऑल टुगेदर। यहाँ पर देख रहे हैं कि अब ये म्यूजिक काफी आगे चला गया है, ओके। तो लॉक किया हमने पहले, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, हमने लॉक किया, अब हम चाहते हैं जैसे प्रोग्राम खत्म हो तो म्यूजिक बढ़ जाए, म्यूजिक लेवल बढ़ जाए, नहीं तो एब्रप्ट एंड सा लगेगा, तो म्यूजिक लेवल हमने बढ़ा दिया, फिर एक जगह हमने लॉक कर लिया, जहां जितनी देर आप चाहते हैं आप कर दीजिए। ऊपर में टाइम बार आपको दिखाई पड़ रहा है, तो टाइम बार आप देख सकते हैं, मतलब कितने सेकंड का होगा, क्या टाइम बार को थोड़ा दिखा दीजिए, यस ये आपका सेकंड्स में चल रहा है, ओके, ये आपका टाइम बार है। अब इसको हम थोड़ा सा डाउन कर लेंगे, जी वी आर गोइंग टू कंक्लूड द प्रोग्राम नाउ, ओके। तो इसको डाउन कर दिया, खींच के हमने बंद ही कर दिया इसको, बस हाँ हल्का सा, मतलब एकदम एब्रप्ट भी बंद ना हो, ये आपके हाथ की सफाई पर है, शानू भाई का हाथ बहुत बढ़िया चल रहा है यहाँ पर, तो मुझको बोलने में तब आसानी होती है। तो ये हमने देख लिया, नाउ दिस इज रेडी, अब बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप में आ रहे हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। नाउ वी विल गो बैक टू द बिगिनिंग वंस अगेन, एक बार फिर से वी विल गो टू द बिगिनिंग, और यहाँ पर एक बार इसको हम सुन करके देखेंगे, एकदम शुरू में, ओके। तो इसको भी हम सुन करके देखते हैं, कि एकदम से सीधा मिक्स डाउन मत कर दीजिए, एक बार पूरा प्रोग्राम सुनना चाहिए। तो वी आर गोइंग टू लिसन टू इट नाउ, सो प्ले इट नाउ। अब ये बज रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अजीत होरो, और आज के इस कार्यक्रम में आप सबों का हार्दिक स्वागत है, आप सबों का खैर मकदम, आप सबों का अभी भी लगा कि थोड़ा ज्यादा है, तो म्यूजिक हम कम कर लेंगे, हाँ ओके ठीक है, एक बार सुन लेते हैं, मतलब थोड़ा सा कि म्यूजिक लेवल इज ओके, यहाँ भी ठीक कर लेते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट थिंग इज द वर्ड,
बहुत बार वी आर फैसिनेटेड बाय द म्यूजिक, म्यूजिक बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन हाँ सुनते हैं सुनते हैं। बाद में पूछिएगा, अभी इसको थोड़ा देख लेते हैं एक मिनट, है ना। ओके, तो अब नाउ वी आर गोइंग टू मिक्स इट डाउन। अब हमको इसको मिक्स करना है। अब इसको कैसे करना है देखिए, अब नाउ वी हैव टू क्लिक ऑन हाउ टू मिक्स डाउन। तो स्टेप वन, गो टू द ऑप्शन, नहीं एनवेलप तो हो गया, एनवेलप के बाद अभी हम चलते हैं, हाँ यहाँ पर गए। अब हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे, गो टू फाइल देन कम टू एक्सपोर्ट। अब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं सर, यहाँ पर जो बन गया ना, अब हम इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। वी आर गोइंग टू एक्सपोर्ट इट विद द म्यूजिक। ओके, हम संगीत के साथ हम इसको मिक्स करेंगे अभी। तो अब यहाँ पर पूछ रहा है एक्सपोर्ट एज एम पी थ्री या एक्सपोर्ट एज वेव। वेव में ऐसा होता है, अगर आपको सेव करना है तो वेव में कीजिएगा हमेशा, क्योंकि क्वालिटी अच्छी रहती है। लेकिन अगर पोस्ट करना है, आजकल व्हाट्सएप में डालना है, कुछ करना है, तो एम पी थ्री इज गुड, क्योंकि इट इज द कंप्रेस्ड वर्जन ऑफ वेव। तो एम पी थ्री में ही प्राय आजकल पूरा मामला पूरा एम पी थ्री में ही चलता है ना। तो वी कैन यूज एम पी थ्री, सो इट इज आस्किंग फॉर द ऑप्शन। सो वी वॉन्ट दिस टू बी एक्सपोर्टेड एज एम पी थ्री फाइल। तो वट वी आर गोइंग टू एक्सपेक्ट दैट द म्यूजिक पोर्शन एंड द नरेशन विच आई स्पोक आर going to be mixed down together and it's going to create a program. So, आइए देखते हैं, इसको अभी mixed down कर रहे हैं। तो export as MP3, हाँ ठीक है, इसको हमने click किया। और जब click किया तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि कहाँ पर save करना है, क्या करना है। एक नाम यहाँ पर हम लिख देते हैं, नाम इसका क्या लिखें, Titanic लिख दिए, Titanic। Okay, Titanic और MP3 file save. Desktop can be the आपका destination. डेस्कटॉप हमने ले लिया, राइट। और अब हमको इसको सेव करना है सर, और अब इसको जहां पर सेव ऑप्शन है तो सेव को इस समय हम यानी क्लिक करेंगे। जब हमने क्लिक किया, यहां पर ये बोल रहा है योर ट्रैक्स विल बी मिक्स डाउन एंड एक्सपोर्टेड एज वन स्टीरियो फाइल। ओके, हम लोगों ने स्टीरियो ले लिया था, तो हमने क्योंकि स्टीरियो का ऑप्शन मांगा है, इसको अब हम ओके बोल सकते हैं। तो आइए इसको ओके बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए आर्टिस्ट नेम, तो थोड़ा क्लिक कर दिए, कुछ लिख देते हैं। आर्टिस्ट नेम क्या लिखूं, अच्छा नाम लिख दिए मेरा, अजीत होरो लिख देते हैं, बस अजीत इज ओके, ठीक है। ट्रैक टाइटल, सारा डिटेल यहाँ पर है, जो भी आप चाहें डाल सकते हैं। ट्रैक टाइटल कैन बी टाइटेनिक, इट कैन बी टाइटेनिक, राइट। और उसके जो जो डालना है डाल दीजिए, साल क्या है, योनर क्या है, कमेंट्स क्या है, एनीथिंग। तो उतना लंबा हम नहीं जाते हैं, दैट ऑल ऑफ यू आर वेरी एनलाइटेंड, यू नो। तो नाउ वी विल से दैट वी हैव टू सेव इट। तो हमने इसको सेव किया, ओके ओके हमने किया। अब ये देखिए यहाँ पर एक्सपोर्ट कर रहा है, ये एक्सपोर्ट किया इसने, और अब ये जो प्रोग्राम है अब ये मिक्स डाउन हो गया, राइट। अब हमको इसको सुनना है, तो हमने इसको कहाँ सेव किया है, डेस्कटॉप में किया है। तो लेट अस गो टू डेस्कटॉप, और यहाँ ढूंढते हैं कहाँ पर है टाइटेनिक, दिखाई पड़ता है कहीं पर, कहाँ पर है, ओके आप यहाँ पर थोड़ा इसको ड्रैग करके नीचे लाइए थोड़ा सा, हाँ नहीं नहीं यहाँ पर, यहाँ तो आप देख सकते हैं इस समय टाइटेनिक। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू प्ले इट बैक। अब इसको प्ले करते हैं, राइट। सुन लेते हैं, मैं हूं आपका दोस्त अजीत होरो, और आज के इस कार्यक्रम में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आप सबों का खैर मकदम, आप सबों का इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों आज हम बातचीत करेंगे, आपने हाल में एक फिल्म के बारे में सुना होगा, फिल्म का नाम था टाइटेनिक। इस फिल्म को बहुत सारे ऑस्कर अवार्ड भी मिले, और मैं आपका दोस्त अजीत होरो एक बार फिर आगे बढ़ा दिया, लेकिन आप विदा लेता हूँ। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। स्टॉप कर देते हैं। ओके, नाउ तो ये कार्यक्रम अब क्या हो गया, ये मिक्स हो गया, राइट। तो एक कार्यक्रम अब बंद करके तैयार हो गया। तो दिस इज ऑडेसिटी, तो इसको फिर आगे तो सॉरी
जितना अभ्यास करेंगे उतना ये आगे आपका हाथ और ज्यादा निखरता जाएगा. यू कैन इवन ऐड द मल्टी ट्रैक्स. और ट्रैक एक्सक्यूज मी सर, मुझे सेव का ऑप्शन सर फाइल नहीं आया था. जी जी सर, सेव का जो ऑप्शन था वो फाइल में जाके क्लिक करने पर सेव का ऑप्शन आया था. हाँ जी 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 जी, वहां पर इसने बोला सेव है ना. और सेव के ऑप्शन में आपको पूछा कि MP3 करना है या वेब फाइल करना है या क्या करना है, तो वहां पर ऑप्शन थे. तो आप वेब में भी जा सकते हैं लेकिन वेब की प्रॉपर्टी ज्यादा होती, तो ये पोस्ट करने में बाकी बातों में थोड़ा हेवी फाइल होती है, उसी को आप कंप्रेस कर दीजिए MP3 में, अगर आप पोस्ट कर देंगे तो ये हो जाता है. सो नाउ अब हम लोगों ने एक कार्यक्रम इसको एक्सपोर्ट में जाके करना पड़ता है ना, वो मैडम सेव बोली तो एक्सपोर्ट में करना पड़ता है ना. इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों जो है वो फाइल के अंदर है. ओके हां जी सर, यहां पर मैंने फाइल नॉइस कैंसिलेशन और वॉइस क्लैरिटी के बारे में कुछ बताएंगे तो अच्छा रहेगा. सर वॉइस क्लैरिटी की बात जहां पर है, मैंने अभी तो डिफॉल्ट माइक्रोफोन से किया ना, अगर वो चाहिए तो आप एक छोटा अच्छा सा माइक्रोफोन आप ले सकते हैं. इवन आजकल जो अच्छे मोबाइल्स हैं उनके भी जो माइक्रोफोन है वी कैन यूज दैट ना, यहाँ पर लगा सकते हैं. तो अगर एक अच्छा माइक्रोफोन हो तो बहुत अच्छा है, तो उसमें आप रिकॉर्ड कर सकते हैं. दूसरा काम आप ये भी कर सकते हैं, आपको बताता हूँ. डिफॉल्ट माइक्रोफोन से कहीं बहुत बेटर है रिकॉर्ड करना आपके मोबाइल में. मोबाइल कैन रिकॉर्ड वेरी वेल है ना, मोबाइल रिकॉर्ड कर सकता है, तो मोबाइल में रिकॉर्ड कर लीजिए. फंबल हो जो भी हो कोई बात नहीं, और उसको मोबाइल के अलग अलग साउंड फॉर्मेट हैं, कोई A4 है, कुछ कुछ अलग अलग हैं, लेकिन ऑनलाइन आप इसको MP3 में कन्वर्ट कर सकते हैं. और कन्वर्ट करके डेस्कटॉप पर लाइए, उसको ऑडेसिटी में ले आइए, ऑडेसिटी में एडिट कर दीजिए और म्यूजिक डाल दीजिए, ऐसे भी हो सकता है. और अच्छा माइक्रोफोन तो आजकल एक और आता है, मैं आप लोग को एडवाइस करूँगा, आप लोग काफ़ी लेक्चर भी देते होंगे ना, तो एक आता है आपका फ्लैश रिकॉर्डर आता है सोनी का, कोई कंपनी की बात नहीं बोलूंगा, इवन आपका फिलिप्स का भी आता है, तो इट कैन रिकॉर्ड फॉर 600 आवर्स. अगर आप का कोई लेक्चर है कुछ है तो यू कैन रिकॉर्ड ऑन दैट एंड यू कैन ट्रांसफर दैट इन दिस ऑडेसिटी, यू कैन एडिट एंड यू कैन मेक अ फाइनल प्रोग्राम, तो ऐसा हो सकता है. ओके थैंक यू सर. सर सर ऑटो ट्यून का जो इस्तेमाल करना पड़ता है तो वो कब और कैसे करते हैं? किसका ऑटो ट्यून? ऑटो ट्यून लेकिन उसका इस्तेमाल कब और कैसे किया जाता है? उसका इस्तेमाल ऑटो ट्यून एक तो अभी तक मैं ज्यादा क्लियर नहीं हूँ, या बीच में जो आता है म्यूजिक उसकी बात कर रहे हैं? नहीं, अगर हमने कोई गाना वगैरह गाया किसी सिंगर का तो उसको ऑटो ट्यून करते हैं ना. अच्छा, ये कैरियोके सिस्टम को बोल रहे हैं? ऑडेसिटी में है ना ऑटो ट्यून. अभी नेहा कक्कर वगैरह जो सिंगर है उनके गाने ऑटो ट्यून करके बनाते हैं ना, तो उस इफेक्ट के बारे में भी जानना था, क्योंकि मैं ऑडेसिटी इस्तेमाल करता हूँ एक 5-6 साल से. सर इन ऑडेसिटी देयर इज नो लाइक दिस 5 एंड ऑल, इसमें आपको नहीं मिलेगा. इसमें आपको अजीत सर वो तो अच्छा अजीत सर एक दो बातें और बाकी सुन लीजिए. एक तो सबसे ऊपर देखेंगे एम्पलीफायर, म्यूट कर लें, अगर म्यूट कर लें सब कोई अच्छा रहेगा. राइट सर, हाँ तो यहाँ पर हम एम्पलीफाई कर सकते हैं. एम्पलीफाई मतलब साउंड को हम बढ़ा सकते हैं, साउंड लेवल को हम घटा भी सकते हैं. और सर क्या हम लोग वीडियो के भी साउंड को ऐसे एडिट कर सकते हैं? नहीं, वीडियो की फाइल अलग होगी, मतलब वीडियो के अगर आप न्यूडो में जाओगे तो उसमें आप एक्चुअली यू हैव टू एक्सट्रैक्ट द ऑडियो फाइल एंड देन यू कैन इंपोर्ट इट हियर. हाँ न्यूडो में जाएंगे तो वहां पर वो पूछता है आपको ऑडियो लेना है तो वीडियो लेना है या वीडियो से ऑडियो लेना है. And later back you can add it to video. But then the voice and there will be lip sync will go now if you do that. Which how will you want to lip sync whatever you are saying? If you extract the audio from there and put it back. If you are changing the same audio file, there won't be an issue.
But if you change the length of the audio file or something like that, then it will change. Otherwise, lip sync will be same. So almost ab 5 minutes baki hai. So asal baat hai practice. Jitni practice karenge utna ye jo software hai aapke haath mein aata jayega. और ये जो ट्यूटोरियल है आप लोगों के साथ शेयर हो जाएगा तो इसमें ऑलमोस्ट सारे स्टेप्स के बारे में बताया गया तो आप उसको देख सकते हैं। हाँ यस जो म्यूजिक हमको लेना है तो कहाँ से हम लोग ले सकते हैं कि उसमें कॉपीराइट इश्यू नहीं आए? अच्छा एक तो आपको देखना पड़ेगा आप गूगल में जाके टाइप करेंगे मतलब आपका फ्री डाउनलोडेबल म्यूजिक है ना तो ये मिलता है। अच्छा फिर एक आपका है एक और आपका वेबसाइट है soundbible.com होंगे तो मिल जाएगा ऐसा नहीं और कई ऐसे वेबसाइट है जो कि आपको साउंड इफेक्ट भी फ्री देते हैं बट ऐड करना चाहूंगी जो पीपीटीज हमारे पुराने सेशंस की हैं उसमें मैंने एक पीपीटी अपलोड की है ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज जिसपे हमने कल डिस्कशन किया था तो वो उस पीपीटी में मैंने बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स के नाम और लिंक डाले हैं जहां से आप डिफरेंट वीडियोस या म्यूजिक और चीजें भी ले सकते हैं और जैसा एक पार्टिसिपेंट बोल रहे थे बेन साउंड भी एक पोर्टल है जहां से आप फ्री एंड ओपन जो ऑडियोज है वो भी आप ले सकते हैं। और एक साइट है मैं उसका नाम भूल रहा हूँ मैम मेरा अजीत सर से एक सवाल था। हाँ बोले सर अगर कोई नॉइज एक्चुअल ट्रैक के साथ आता है जो ट्रैक को रखना जरूरी पड़ता है तो वो साथ का जो नॉइज है उसको हटाने के लिए ऑडेसिटी में कोई ऑप्शन है? नहीं देखिए एक आपका साउंड नॉइज रिडक्शन करके है जरूर एक मिनट दिखा देते हैं नॉइज रिडक्शन कहीं पर है ये हाँ ये रहा देखिए यहाँ पर है तो जो हाँ तो जो ऑडियो जिस पोर्शन में आप चाहते हैं कि ये रिड्यूस हो तो उसको आप यूज कर सकते हैं तो ये काम करता है लेकिन मैं ये बोलूँगा कि ज़्यादा प्रयास ये करें कि साउंड ज़्यादा बीच में ना आए अगर आता है तो बाद में किसी प्रकार का भी ना डिजिटल ट्रीटमेंट वो पता चलता है कि मतलब दे हैव डन तो देखें कि थोड़ा ज़्यादा नॉइस ना हो कोई अच्छी जगह पर रिकॉर्ड कर सकते हैं रूम में जहाँ पर ज़्यादा सामान है ताकि ज़्यादा इको ना हो आप वहां पर रिकॉर्ड कर सकते हैं और मोबाइल में तो रात को कर ही सकते हैं बहुत अच्छी तरह से मोबाइल रिकॉर्ड्स वेरी वेल तो ये रही आज की सारी बातचीत जो मुझको करनी थी मेरी ओर से थैंक यू वेरी मच बहुत शॉर्ट में पता लग सकता है सर कि अगर इसमें जो आपने खांसी का साउंड रिमूव किया था बस वेरी शॉर्ट कि कौन से आइकॉन का यूज किया था वो हमने यूज किया था ये वाला आपका सिलेक्शन टूल है ना ये देखिए सेलेक्शन टूल के बाद हमने इसको सेलेक्ट कर लिया जी जी इसको हम चाहें तो हम यू करके इसको ये करके हम इसको डिलीट कर सकते हैं देखिए ओके ओके थैंक यू सर लेकिन मैं इसको अंडू कर देता हूं ये अंडू हो गया राइट थैंक यू सर सर एक आपने जो सर जो माइक्रोफोन का नाम आपने बताया उसको सर एक बार फिर से बता दिया जाए बता दीजिए हां सर डिलीट कौन सा बटन का यूज करके किया गया था सर वो माइक्रोफोन ने फ्लैश रिकॉर्डर की बात कर रहे थे सर कि जिसमें लेक्चर्स रिकॉर्ड किए जा सकते हैं अच्छा होता है शायद मैं आपको दिखा पाऊंगा एक मिनट वेट ये होता है बस आपका इतना बड़ा ये कुछ नहीं सिंपली इसको दबाया और रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया ये आपको MP3 फाइल रिकॉर्ड करके दे देगा दोनों सरप्राइज बता दीजिए सर नहीं अब तो बहुत कम हो गया होगा बहुत पहले लिया था मैंने प्राइस कोई बहुत ज्यादा क्या नाम है सर इसका नाम के ये तो वैसे सोनी का है लेकिन फिलिप्स के भी आते हैं आजकल कई कंपनियों के आते हैं है ना तो ये अच्छा रिकॉर्डर है इसमें कम से कम आप 300 से 600 आवर्स आप रिकॉर्ड कर सकते हैं साउंड इफेक्ट जमा कर सकते हैं मेनली आपके जो लेक्चर्स वगैरह है ना वो इसमें आप बहुत अच्छी तरह से रिकॉर्ड कर सकते हैं इट रिकॉर्ड्स वेरी इसका नाम क्या है सर इसका नाम क्या है फ्लैश रिकॉर्डर फ्लैश रिकॉर्डर फ्लैश रिकॉर्डर
सर अगर माइक्रोफोन की बात करें तो कौन सा माइक्रोफोन मतलब बहुत अच्छा रहेगा रिकॉर्ड करने के लिए? सर इसलिए अलग अलग है, देखिए AKG है ना, आपका सनाइजर है, अच्छा फिर आपका शोर है, वो भी अच्छे माइक्रोफोन होते हैं। AKG वगैरह बहुत कॉस्टली है, मतलब शोर फिर भी एक थोड़ा नॉर्मल रेंज तो नहीं कहूँगा, थोड़ा सा ऊंचा है, लेकिन फिर उसके लिए आपको अच्छा मिक्सर भी चाहिए, है ना, अच्छा मिक्सर भी चाहिए और एक अच्छा स्टूडियो का हल्का सेटअप तो चाहिए ही, है ना, वहां तक। सर हाँ सर, हम दो ट्रैक ऐड कर रहे हैं और दोनों में ही हमारा एक ट्रैक में मैं रिकॉर्डिंग करूंगी और दूसरे ट्रैक में मेरे कॉलीग रिकॉर्डिंग करेंगे। मैं इसे ट्राई कर रही थी लेकिन फर्स्ट ट्रैक में दोनों ही रिकॉर्डिंग ऐड हो जाते हैं, कैसे वो एक ही में आएगा वो, क्योंकि उसमें बस ये कि आप लोग पॉज बना लीजिए, आपने बोला फिर आपके कॉलीग ने बोला, वो तो एक ट्रैक में ही आएगा, लेकिन अगर स्टूडियो में जाएंगे तब वो अलग अलग ट्रैक में हो सकता है, वो अलग बात है, लेकिन वो एक ही ट्रैक में आएगा ना, सोर्स तो एक ही है माइक का। जी ओके ओके सर, थैंक यू सर, सो धन्यवाद दोनों। सर पॉडकास्ट के बारे में आपने नहीं बताया सर। अच्छा पॉडकास्ट के बारे में मैं आपका थोड़ा सा बता दूं, आपको कुछ नहीं चाहिए होता है, सिंपली आपको एक मोबाइल चाहिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं, और मोबाइल में आप इस समय देखेंगे कि पॉडकास्ट के बहुत सारे मंच हैं, एप्पल पॉडकास्ट है ना, अच्छा आपका आपका पॉडबिन है ना, अच्छा फिर आपका गूगल पॉडकास्ट है, अलग अलग बहुत सारे पॉडकास्टिंग के मतलब प्लेटफॉर्म है, लेकिन क्या है कि बहुत सारे ऐसे हैं, मैं किसी एक का एडवोकेसी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं आपका पॉडकास्टिंग ये मतलब मंच ऐसे है जिसमें कि एक सर्टन टाइम के शुरू में 2 घंटा अलाउ करेगा, बाद में चार्ज करेगा, लेकिन अब तो आप तो टीचर हैं, आपको भाई आपको 2 घंटे का एक पूरा लेसन देना है, कुछ भी करना है, तो कुछ ऐसे हैं जो आपका जो आपको फ्रीली अवेलेबल हो जाते हैं, उसमें जैसे आपका पॉडबीन है, एंकर है, एंकर में आपको शो करता हूँ, वो इट लुक्स लाइक दिस, सिर्फ मैं इसी का मतलब ऐड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एंकर इज अ गुड ये आई मस्ट से आपका पॉडकास्टिंग सॉफ्टवेयर, और यहाँ पर कुछ चीज़ें यहाँ पर उल्टा दिखता है, लगता है ना उल्टा दिख रहा है, राइट, लेकिन यहाँ पर देखिए एनालिसिस है, एनालिसिस अगर आप टाइप करेंगे तो मुझको भी पता है कि 1817 लोगों ने सुना है आज के पॉडकास्ट को, अगर आप दूसरा करेंगे तो थोड़ा सा और बता दूं, इफ आई गो टू ऑडियंस, अगर मैं ऑडियंस में जाता हूँ तो यहाँ पर पूरा आपको डेटा मिल जाएगा, मैं भी बताता हूँ इसके बारे में डिटेल में जल्दी से, यहाँ पर कितने पॉडकास्ट गए हैं वो दिखाई पड़ रहा है, एक चीज और देख लीजिए उससे आपको बड़ा एनकरेजमेंट मिलेगा, किस किस कंट्री से लोग सुनते हैं वो भी आपको दिख जाएगा, यू कैन सी हियर सारी कंट्री का डिटेल, और ये मैंने 1 महीना पहले स्टार्ट किया था, जस्ट टू एक्सपेरिमेंट, मेल फीमेल कितने हैं ये डिटेल आपको मिल जाएगा। तो पॉडकास्ट में ये है कि एक काफी अच्छा मंच है, उसको आप ट्राई कर सकते हैं, दैट इज द या तो पॉडबीन हो सकता है, पॉडहॉपर हो सकता है, या तो एंकर हो सकता है, ये अच्छे मतलब पॉडकास्ट हैं, सीधा उसको डाउनलोड करें और वो आपको टूल देगा काम करने के लिए, जैसे मैंने डाउनलोड किया है, मैंने यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ से ऐसे करके यहाँ से आई कैन गो फॉर रिकॉर्डिंग, रिकॉर्ड कीजिए, ये आपको म्यूजिक भी दे देगा, आपको इसी के अंदर इनबिल्ट म्यूजिक है, म्यूजिक भी आप डाल सकते हो, मिक्स डाउन करके सीधा आप इसको पोस्ट कर सकते हो। इसको प्रमोट करने का तरीका है, व्हाट्सएप में आप ब्रॉडकास्ट ग्रुप बना लीजिए, एक ग्रुप में कम से कम 256 लोग ऐड हो सकते हैं, एक ग्रुप में 5-6 ग्रुप बना लिया तो 1000 लोग तो हो गए, और उसमें आप इसके लिंक को पोस्ट कर दीजिए जो आपने पॉडकास्ट किया है, अपने आप ये फैलता जाता है, तो दिस इज द पॉडकास्ट, और पॉडकास्ट बहुत ईजी है, आई थिंक इट इज द ईजीएस्ट, कहीं भी बैठ के आराम से रिकॉर्ड करो, कोई अच्छी सी कहानी ले लो, कोई अच्छी सी कविता ले लो, टेक एनीथिंग एंड यू कैन इमीडिएटली पोस्ट, और इमीडिएटली आपको उसका रिस्पॉन्स भी मिल जाता है, इवन यू कैन गेट द इवोल्यूशन की जी। पॉडकास्ट का एप्लीकेशन एंकर बताया और दो चार नाम लिख दीजिए और बताइए, दो चार नाम मुझको, एक तो आपका पॉडबीन है, पॉडबीन भी एक है जहां तक मैं याद कर रहा हूँ, और ये तो है ही, एक और है नाम उसका भूल रहा हूँ, लेकिन एंकर तो है ही,
तो आप करीब आप वहां पर बस ये टाइप कीजिए कि मतलब ओपन सोर्स है ना, ओपन सोर्स पॉडकास्ट ये आपका प्लेटफॉर्म, तो आपको पूरा दिखाई पड़ जाएगा। इमीडिएटली मुझको दो तीन याद नहीं हो रहा, तो उसको आराम से आप लगा सकते हैं और कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़ा सा एक्सरसाइज किया हो जाता है। यू हैव टू साइन थ्रू योर गूगल अकाउंट। हाँ सर, क्या पॉडकास्ट की जो लिंक है उसको व्हाट्सएप ग्रुप में भी अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने रिकॉर्ड किया, आपने रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड करने के बाद वो आपको लिंक दे देगा। लाइक अगर मैं दिखा पाऊंगा तो आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं आता हूँ, एक मिनट, यहाँ पर आगे योर पॉडकास्ट देखिए, यहाँ पर मेरे पॉडकास्ट हैं, यहाँ पर अजीत होरो EDU है ना। अब यहाँ पर मैंने क्लिक किया, उतना साफ नहीं दिख रहा होगा, तो ये जैसे क्लिक किया, यहाँ पर क्लिक करूंगा तो इसका लिंक यहाँ पर देखिए, कॉपी लिंक बोल रहे हैं क्या? यस सर। हाँ है ना, तो लिंक कॉपी किया, उसको व्हाट्सएप ग्रुप में आप पोस्ट कर दीजिए, आराम से जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। इसको सुनने के लिए पॉडकास्ट जरूरी है क्या? हाँ बोलिए बोलिए सर। इसको सुनने के लिए भी पोस्ट, जो मेरा लिसनर है उसको सुनाने के लिए पॉडकास्ट होना उसके पास जरूरी है क्या? दोनों प्रकार का है। एक तो आजकल के जो बहुत एडवांस्ड जो मतलब मोबाइल है ना, वो अपने आप ले लेते हैं, और अगर नहीं तो उनको खाली आप ये बोल दें मतलब ये पॉडकास्ट को आप डाउनलोड कर दो, तो उसके पास वो उसको डाउनलोड कर सकता है। सिर्फ शुरू में इंस्ट्रक्शन दे दें कि आप लोग फलाना या तो पॉडबीन या जो भी ये है पॉडकास्ट जो प्लेटफॉर्म है वो आप लोग डाउनलोड कर लो। ऐप होता है बेसिकली, ऐप है वो कुछ ऐसा। जब इसको हम डाउनलोड करेंगे कुछ इट लुक्स लाइक दिस, जैसे यहाँ पर है देखिए, यहाँ पर ये वाला ये तो सिंपली डाउनलोड कीजिए और उसके बाद वो आपका सेल्फ एक्सप्लेनेशन। तो अब मैं हेलो हाँ तो अब मैं कंक्लूड करता हूँ। कुछ मिथ हैं एक्चुअली पॉडकास्ट के बारे में। नंबर वन, लोग सोचते हैं कि बहुत, यानी पीपल नीड ग्रेट वॉइसेस, ग्रेट वॉइस होगा तब मैं सक्सेसफुल हूँ, ऐसा नहीं है। वर्ल्ड इज आफ्टर द ग्रेट मैसेजेस। अगर मैसेज बहुत अच्छे हैं पीपल विल फॉलो यू। आवाज़ को लेके कभी इन्फीरियर नहीं होना चाहिए, आवाज़ अच्छी है कि नहीं, अगर मैसेज अच्छा है तो लोग सुनेंगे। नंबर टू, आप बोलेंगे कोई इसको सुनता ही नहीं है, तो ऐसा नहीं है। ये आपका 2017 में इसको सुनने वाले लोग हिंदुस्तान में ओनली आपका 5 या 6 मिलियन थे, आज करीब करीब ये लोग आपका 20 मिलियन प्लस हो गए हैं। आजकल ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो यू कैन स्टार्ट योर एजुकेशन में तो बहुत अच्छा है। सो पॉडकास्ट भी कीजिए और प्रोग्राम भी बनाइए। और सर हाँ जी सर, प्लीज मे आई रिक्वेस्ट यू टू शेयर योर कॉन्टैक्ट नंबर इफ इन फ्यूचर वी नीड योर सपोर्ट, इफ यू डोंट माइंड सर। ओके ओके, आप लोग लिख ले 9818 333 जी सर 7072 थैंक यू सो मच सर। ओके ओके ओके, सो मोस्ट वेलकम सर। फिर एक बार आप लोग कभी भी बात करेंगे अच्छा लगेगा हमको बातचीत करके, और थैंक यू वेरी मच। तो कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। तो दोस्तों इस समय अपने मित्र अजीत होरो को आज्ञा दीजिए और मेरे साथ मेरे सहयोगी शानू मुक्सीम सर, प्लीज उसके पहले एक बार नंबर रिपीट कर दें। क्यों सर, नंबर एक बार रिपीट करें। थैंक यू सर, थैंक यू। नंबर लिखिए 9818 333 7072 7072 लास्ट में 9818 333 जी हाँ यही नंबर। तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं अगर कुछ पूछना है, या तो ईमेल आईडी ajitkumarhoro@gmail.com मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ, बल्कि ईमेल विल बी मोर ये एक मिनट यहाँ पर कहाँ टाइप करूँगा, हाँ टाइप करो अजीत कुमार होरो चैट बॉक्स में। हाँ वही पर कर रहा @gmail.com वही जीमेल। Thank you for being so kind, sir. Have a good time, sir. अरे कोई बात नहीं। It's my pleasure to be with all of you. अच्छा बहुत बढ़िया सेशन था सर। Beautiful work. बहुत धन्यवाद सर। हाँ thank you very much. बहुत अच्छा लगा। Nice voice. तो मिलते रहेंगे और it has been very encouraging. Thank you so much, sir. Entertaining and infotaining as well. Thank you, sir. Thank you.
बहुत ही इन्फॉर्मेटिव सेशन रहा आपका और बहुत काफी कमेंट्स पढ़ के एकदम लगा कि इतने लोगों ने इसको बहुत धैर्यपूर्ण सुना भी है और समझा भी है बहुत अच्छे से और बहुत समय पर बिल्कुल समय से खत्म हुआ हमारा सेशन। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर और पूरे सारजी की टीम की तरफ से पार्टिसिपेंट्स की तरफ से हम अपने एक्सपर्ट अजीत होरो सर का धन्यवाद करते हैं। थैंक यू वेरी मच। और आपने एक बात अभी बोली टाइम से खत्म किया, ब्रॉडकास्टिंग में ना बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। जी सर, आपका पर्दा गिरा देगा। अभी हमारे तीन दिन में बहुत समय से सेशन, पहला ये सेशन है जो बिल्कुल टाइम पे कंक्लूड किया गया है। नहीं नहीं बिल्कुल समय पर एंड करना चाहिए। जी सर, सर ठीक है। आपका शानू जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा अच्छे से प्रेजेंट किया और समझाया सबको। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, बाय। और हम सब अब लंच ब्रेक के लिए रुकेंगे और 2 बजे एग्जैक्ट 2 बजे हम अपना सेशन शुरू करेंगे क्योंकि आज ये मैम ने 10 मिनट कम कर दिया। अगला सेशन मोनिका मैम का ही है जो वीडियो रिसोर्सेज कंसेप्ट पर्पस टाइप के लिए है, तो मैम 1:50 पे कह रही है तो 1:50 पे हम लोग वापस जुड़े और बिल्कुल टाइम पर जुड़ेंगे तो हमारा सब समय से चलेगा और हमको बहुत समय भी मिलेगा चीजों को समझने और अपने प्रश्नों को जानने के लिए। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और तब तक आप लोग लंच इंजॉय कीजिए, लंच के बाद हम 1:50 पे फिर जुड़ते हैं। ओवर टू यू मोनिका। थैंक यू अजीत सर, थैंक यू टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स फॉर दिस वेरी एंगेजिंग सेशन एंड वी विल बी गेटिंग बैक एट 1:50 शार्प सो दैट वी कैन स्टार्ट ऑन टाइम एंड वी कैन हैव मोर क्वेश्चंस। दैट इज आई हैव रिड्यूस्ड द टाइम ऑफ लंच बिकॉज़ वी विल बी हैविंग क्वेश्चंस, देन वी वोंट हैव टाइम टू डिस्कस दोस क्वेश्चंस। सो प्लीज बी बैक ऑन 1:50 सो दैट वी कैन हैव द डिस्कशन गोइंग ऑन। मैम लास्ट जो ट्रेनिंग थी लास्ट ईयर वाली, उसमें असाइनमेंट और ट्रेनिंग दोनों साथ में चल रही थी, इस बार ऐसा क्यों है? मतलब लास्ट ईयर जो ट्रेनिंग थी ना उसमें असाइनमेंट भी साथ में सबमिट करना था और ट्रेनिंग भी साथ में ही चल रही थी। मैम ऐसा है कि गूगल फॉर्म पे हमने प्रोसेस वही है, बस सबमिशन डेट आपकी एक कर दी है। पहले पैरेलली सबमिट करवा रहे थे, उससे क्या होता है कि सभी पार्टिसिपेंट्स को कंफ्यूजन हो रहा था कि हमको कब करना है, अभी करना है या नहीं। तो सारे असाइनमेंट आप पैरेलली, अभी जैसे ऑडियो का आप बना लीजिए, एक ऑडियो फाइल आप एडिट कर लीजिए, एक साथ सबमिशन के लिए गूगल फॉर्म होगा, अदरवाइज बाकी सब कुछ सेम है। एक्सक्यूज मैम, मोनिका मैम जी सर, अटेंडेंस का लिंक आज भेजे मैम? सर सुबह भेजा गया था लिंक, 1 घंटे तक ओपन था। मैं तो क्लास में बिजी हो गया तो नहीं कर पाया सर। ठीक सर, अलर्ट रहना पड़ेगा अटेंडेंस के लिए तो। चलिए सर, अभी हम 1:50 पे मिलते हैं, अभी फिर उस वक्त एक बार अनाउंस भी कर देंगे जब अटेंडेंस भेजेंगे।